أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص حريص فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حافظ حامد رضا قادری صاحب اس وقت तलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा और उसका तर्जुमा पेश करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का, मालिक है रोज़े जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दिखा हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम, ना उन लोगों का ना भटकने वालों। सदकल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत में पूरा कुरान समोया हुआ है और वो रब वाकई में, जब हम कहते हैं ना वो रब है तमाम जहानों का, तो वो मेरा तेरा रब नहीं। उसने दुनिया में जो चीज़ पैदा की है वो उसका मालिक है, वो उसका खालिक है, उसने तखलीक की है और हम आजिज हैं। वो जब चाहे कुन फयकुन, वो जब चाहे पैदा कर दे, जब चाहे ख़त्म कर दे। उसके हुक्म का एक इशारा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते हैं ना हशर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा और हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, माँ बेटे को, बेटा माँ को, बुरे हालात होंगे। जैसे ये सोचे कि जिस माँ ने अपने जिगर गोशे को अपने शिकम से पैदा किया और हशर के मैदान में वो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, ये कौन सा आलम होगा। लेकिन एक है जिसने हमारी बख्शिश की, हमेशा दुआ की है, जिसने हमेशा कहा है मेरी उम्मत उम्मती उम्मती उम्मती। अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि हमने अपने लिए क्या मुंतखब किया है। जो उसके उम्मती होंगे वो सीधा जन्नत में जाएंगे, जो उसको मानने वाले होंगे, जो उस पर दुरूद भेजने वाले होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, जिक्र करूंगी इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन की, आज है 27वीं और आज है जुम्मतुल विदा। आने की बहुत खुशी होती है, जाने का बहुत गम होता है। पैदा होते हैं तो लड्डू बांटे जाते हैं, खुशियां बांटी जाती हैं जब हम पैदा होते हैं। जब दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत रोते हैं।
रमजान भी ऐसा है, रमजान आ रहा है, रोजे रखेंगे, सहरी उठेंगे, रोजा खोलेंगे, और अब जा रहा है तो बड़ा दिल दुखी है। फिर ये कहाँ रखेंगे दस्तरखान, कहाँ आएगी वो अजान की आवाज, जब अपने मुंह में वो कतरे पानी डालेंगे कि लोग जो पानी को तरसते हैं, ये एहसास होगा हमें उन भूखों का। फिर 12 महीने के बाद 1 महीना फिर इंतजार करना पड़ेगा, 11 महीनों बाद फिर ये आएगा, 11 महीने हम फिर भूल जाएंगे। क्या ये हमें सिखाता है हमारा दीन कि सिर्फ 1 महीना तुमने अच्छा काम करना है, 1 महीना हमने याद करना है, 1 महीना हमने इबादत करनी है, लग के लगातार इबादत करनी है, 1 महीना दस्तरखान लगाना है, फिर हमने भूल जाना है? क्या हमें ये हमारा दीन सिखाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह पाक कहते हैं कि चाहे, जैसे कुरान पाक हम पे नाजिल हो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाहे आप एक एक लम्हा, कहते हैं ना, थोड़ा सा आप जब कुरान को खोलें, चाहे 2 सूरतें पढ़ें, माजरत लम्हा कह दिया, चाहे 2 लाइनें पढ़ लें तर्जुमे के साथ, तो कुरान भी खुश हो जाता है कि मुझे खोलने वाला, पढ़ने वाला मौजूद है। ना सिर्फ आप उस वक्त कुरान खोलें जब आपके माँ बाप दूसरे जहाँ में चले जाएं, फिर आप कुरान खोलें, उससे पहले खोलें, पढ़ें उसे। कुरान लिफ गलाफ में लपेटने की जगह नहीं है कि उसको लपेट के रख दिया जाए, उसे खोलें, पढ़ें, रोजाना खोलें। अल्लाह पाक बहुत खुश होता है जब तलावत की आवाज़ आपके कान में पड़ती है, तो बहुत खुशी होती है। जब आप सजदे में अल्लाह पाक के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सजदा करते हैं, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मेरे रब को सजदा बहुत पसंद है, तो आप सजदे से नहीं उठेंगे, मेरे रब को सजदा इतना पसंद है। और जब वो किसी आजमाइश में आपको मुबतला करते हैं, तो समझ लें कि अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि तुम मुझसे मांगो, वो चाहता है। और आपने अक्स सुना होगा, बल्कि ये सब हुआ है, तमाम अम्बिया कराम पर एक आजमाइशें उतरी हैं, अल्लाह पाक उनसे बहुत प्यार करते थे और उनको कड़ी आजमाइशों से गुजारा है। अल्लाह माफ़ करे तौबा, हम लोग इस काबिल ही नहीं, हमें तो ज़रा सा कुछ कह दे तो हम लोग, हाय अल्लाह तूने ही हमें देखा है, मैं ही हूँ, मुझे ही आजमाइश देते हो, ऐसे करते। अल्लाह माफ़ करे, हमें शर्म भी नहीं आती। उसकी 100 नेमतें दी हुई हैं, 1000 नेमतें दी हुई हैं, अगर एक आध नेमत वो नहीं देता तो उससे शिकवे गिले कर देते। जो उसने दी है उसका तो शुक्र कर लो। एक आंख ना दे तो फिर बताओ ना कैसे देखोगे, एक हाथ ना दे तो फिर बताइएगा कैसे आप 2 चीजों को उठा सकते हैं, 2 टांगे ना दे तो फिर बताइएगा चलेंगे कैसे। लेकिन वो जो देता है उसका शुक्र नहीं है, जो नहीं देता उसके लिए रोना बहुत है। अल्लाह हमें माफ करे। मेरा मैसेज आज, क्योंकि जुमतुल विदा है, रमजान हमसे गुजर रहा है, ये वो मैं बातें कर रही हूं जो हम बस अब दुनियादारी में फिर चल पड़ेंगे उसी डगर पर जहां हमें सिर्फ मैं पड़ी होगी और कुछ भी नहीं। भूल जाएंगे हम सब नेकियां, भूल जाएंगे देना, भूल जाएंगे बस, सब मुझे मिल जाए, मैं हूं, ये तकब्बुर हमें ले डूबेगा, हम ब्रांड ब्रांड करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है ना, देखो हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, तुम्हारे अब्बू ने कपड़े नहीं दिलाए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो सबको बराबर समझे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और एक और बात करूं, जब पैदा होते सब एक जैसे ही, हम लोग बगैर तन पे कपड़ा नहीं होता, सब इसी तरह पैदा होते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो सबके जिस्म पे कफन होता है। कोई भी अपने साथ ये साज और सामान, ये माल मता लेके नहीं जाता, तो किस बात का नखरा, किस बात का तकब्बुर? मेरे रब को तकब्बुर पसंद नहीं। बस ये है रमज़ान और ये है इबादत रमज़ान। मेरे लफ्ज़ों में कोई कोताही हो गई हो तो मैं आपसे भी माज़रत चाहूँगी, और मेरा रब मुझे अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े में माफ़ करे अगर मेरे लफ्ज़ों में, कुछ चुनावों में गलती हो गई हो, क्योंकि मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। मैं तौबा करती हूँ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से, कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे कि मैंने किसी की दिल आज़ारी कर दी हो तो मुझे माफ़ आप भी कीजिएगा, क्योंकि इंसानों का यहीं पर ही हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पे मैं कैसे मुँह से जाऊँगी कि अगर आपकी दिल आज़ारी कर दी हो। तो जी नाज़िन, आज है जुम्मतुल विदा, बिछड़ने का वक्त। बहुत दुखी हो जाता है इंसान, और आज हम इसकी फजीलत भी सुनेंगे कि जब रमज़ान चला जाए तो दोबारा हमने उस दुनिया में चले जाना है, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा वरना हम बिल्कुल भूल जाएंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा जो उम्रा करके आते, शुरू में तो बड़ा उनके अंदर एक बड़ी एक वो होती है, या नमाज ये वो, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दुनिया की तरफ लौट जाते हैं, दुनियादारी।
अब हमने देखने कि हमने करना कैसे, एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रोग्राम की आन बान शान कौन है, माशाल्लाह पूरे रमज़ान मेरे साथ रहे, तो मैं मिलवाती हूँ आज खूबसूरत गुफ्तगू, आज वो हमें फिर आगाह करेंगे। 27वीं तो ख़त्म हो गई है, कल 26वीं थी तो उन्होंने बड़े बड़ी अच्छी फजीलत बयान की, लैलतुल कद्र 27वीं, और आज है जुम्मतुल विदा, और नबी सल्लम का भी जुम्मतुल एक उन्होंने खुतबा दिया था और वो पहला और आखिरी था। और इसी तरह हम आज जुम्मतुल विदा के बारे में थोड़ी, क्योंकि मैंने सुना जुम्मा हर जुम्मा हमारे ज़िंदगी में आता है और वो दुरूद पाक बहुत पढ़ा जाता है, ये मेरी अब देखना है कि अब मज़ीद कौन सी मेरे हमारे रानुमाई हो सकती है, जो बातें हमें नहीं मालूम वो बताएंगे मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? मेरी तमाम बातों का अब आपने चोर निकाल दीजिए, कहीं कोताही हो उसके लिए माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक पूरी सूरह मुबारक सूरह जुमा के नाम से नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, जब जुम्मे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए तो सब काम काज छोड़ कर सिर्फ सही करो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तरफ। जुम्मे का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार दिन कहा गया है, और जुम्मे के दिन को ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है, यानी ये दिन जो है वो ईदुल फितर और ईदुल अज़हा इन दिनों से भी ज़्यादा अहम दिन है। क्यों? इसलिए कि जुम्मे के दिन अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा रहा होता है। जब ये आम जुम्मे का आलम है तो ज़रा सोचिए कि जो रमज़ान मुबारक में जुम्मे आते हैं उनका आलम क्या होगा, उनकी फजीलत क्या होगी। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान में जुम्मा आता है उसकी हर साआत में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा रहा होता है। तो ज़रा सोचिए कि जब रमज़ान मुबारक का आम जुम्मा उसकी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा रहा होता है, तो फिर जुम्मतुल विदा का आलम क्या होगा, इसकी फजीलत क्या होगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान मुबारक के आने की खुशी मनाए और जाने पर गम करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर जन्नत को लाजिम करार दे देता है या और उसकी बख्शिश फरमा देता है। जो आशिक रमज़ान होता है, जो अल्लाह तबारक व ताला के महबूब का आशिक होता है, यकीनन जब रमज़ान मुबारक आता है तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है कि अब वो महीना आ गया है कि जिस महीने को अल्लाह तबारक व ताला ने रहमतों का और बरकतों का महीना करार दिया है। जब वो जाने लगता है तो उनका दिल अफसुर्दा हो जाता है कि वो तमाम रौनकें, वो तमाम बरकतें जो है वो हमसे जा रही हैं। तो जुम्मतुल विदा ये हमें मैसेज भी देता है, ये हमें बताता भी है, ये पैगाम भी देता है कि देखो मैं जा तो रहा हूं, मैं रमजान जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह रमजान में तुमने बरकतों को समेटा था, रहमतों को समेटा था, बख्शिशों को तलब किया था, ऐ मुसलमानों मेरे जाने के बाद भी पूरे साल इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहना, बरकतें समेटते रहना और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें लूटते रहना। सुभान अल्लाह, रहमतों की बात है, बरकतों की बात है, तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनूंगी हमारे दोनों हाफिज हामिद रजा साहब से जी, और इनका साथ बड़े खूबसूरत जो है वो मैं काशिम इमाम साहब से कहूंगी कि खूबसूरत नबी सल्लम की जो शायरी साथ साथ चलती है जी। कर्म के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कितने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उन
के नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने के लख्ते जिगर अली का है, जहरा का फूल है। लख्ते जिगर अली का है, जहरा का फूल है। ये हैं रसूल पाक से, इनसे रसूल हैं। और आलम कभी इमाम को प्यासा ना बोलना, आलम कभी इमाम को प्यासा ना बोलना। पानी मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। बात हो रही है आप अलैहिस्सलाम के घराने की, आस्ताने की। तो शायर लिखते हैं कि नबी वली के पसीने से फूल बनते हैं, नबी वली के पसीने से फूल बनते हैं। इन्हीं के नक्शो कदम पर चलकर उसूल बनते हैं। और मेरे आका के घराने की अजमतें जो पूछो, मेरे मौला के घराने की अजमतें जो पूछो, अरे अली तो वो हैं जिनके बच्चों की सवारी। जी 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 जी, कितने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और बात रुखसत भी हो आका हो सामने, वक्त रुखसत भी हो मेरे आका हो सामने, वक्त रुखसत भी हो आका हो सामने। इतज़ा तेरे आने की क्या बात है, इतज़ा तेरे आने की क्या बात है। आपके आस्ताने में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने की वसीयत थी कि जब मैं विसाल कर जाऊं तो मेरी कब्र को इतना ऊंचा बनाना, उसकी हाइट इतनी रखना कि फरिश्ते जब तशरीफ लाएं कब्र में तो मैं खड़े होकर कहूं, कुछ इस तरह कहूं कि मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रजा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फरिश्ते कहें कि क्या कहते हो इनके बारे में, तो मैं कहूँ की मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वक्त रुख सदमी गो आका हो सामने, वक्त रुख सदमी गो मेरे आका हो सामने। इक़ज़ा तेरे आने की क्या बात है, इक़ज़ा तेरे आने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और फातिमा वाली क्या बात है, और असल फिर हुसैन तो सैयदा के घराने की क्या बात है, सैयदा के घराने की क्या बात है।
खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की, खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जहरा बतूल की, मैं बात कर रहा हूँ जहरा बतूल की, खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की। बहुत ही मशहूर वाक्य है। सरकार सल्लल्लाहु नमाज में थे, हस्तैन करीमैन सजदे में आके बैठ जाते हैं, जिब्रील अलैहि सलाम से फौरन वही नाजिल हो जाती है कि सजदे को लंबा कर दिया जाए। तो इसी बात को कोट करते हुए शायर लिखते हैं कि दरवाजे बतूल पर इमामत खड़ी रही, दरवाजे बतूल पर इमामत खड़ी रही, अदाबे मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, और दरे पुछते हुसैन सजदे में थे हुजूर, दरे पुछते हुसैन सजदे में थे हुजूर, अरे बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, अल्लाह इबादत खड़ी रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आमीन जी आमीन। फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, बीबी फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, तो मुस्तफा के घराने की क्या बात है, सैयदा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज हामिद रजा कादरी, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلوا عليه। अच्छा जी माशाल्लाह खूबसूरत महफिल, काशिफ भाई है ना हाफिज ने तो खूबसूरत महफिल हमारी रौनक बढ़ा दी, और जुम्मतुल विदा है, और बस कहते हैं हमारे हाथों से ये रमजान जा रहा है, और दुआ करती हूँ, दुआ खैर करती हूँ, अल्लाह पाक जो है हमारे नसीब में अगला रमज़ान भी हमें नसीब करे। और जी हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर नात ख्वाह हैं, माशाल्लाह महफिलों में जाते हैं, और क्या इनकी बात है, सना ख्वाह हैं, और यहाँ पर मौजूद हैं सईद ज़ुबैर रहमानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मुफ्ती साहब का लिखा हुआ कलाम के चलते हैं। हाय 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 मुफ्ती साहब के कलाम, क्या बात है ज़ुबैर भाई। और इमाम जी काशिफ भाई आपकी जो है ना साथ साथ खूबसूरत अशआर साथ साथ हों जी। नबी के जिक्र से मेरा मकाम बढ़ता है, नबी के जिक्र से मेरा मकाम बढ़ता है, नबी के जिक्र से मेरा मकाम बढ़ता है, हुजूर का हो करम जिस पे वो सवरता है, हुजूर का हो करम जिस पे वो सवरता है, नबी के जिक्र से कलाम पाक की आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाजे कलाम पाक की आयात से है वाज़े ये, हुजूर आप के दम से निजाम चलता है, हुजूर आप काशिफ भाई हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों ना बुलंद हो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी मिला है तो मेरे मुस्तफा के सदके से मिला है, जमीनों को जमा मिला है तो मेरे मुस्तफा के सदके से मिला है, मकीनों को मकाम मिला है तो मेरे मुस्तफा के सदके से मिला है, यही नहीं सिद्दीक को सदाकत मिली है तो मेरे मुस्तफा के सदके से मिली है, फारूक को अदालत, उस्मान को सखावत, और हैदर को शुजात मिली है तो मेरे
मुस्तफ़ा के सदके से मिली है, हुसैन को शहादत मिली है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिली है, अरे कुरान मिला है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिला है, कसम है रब्बे ज़ुल्जलाल की रहमान मिला है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिला है। हुजूर आपके दम से निजाम चलता है, नबी के जिक्र से और हुजूर आपको कासिम बनाया है रब ने, हुजूर आपको कासिम बनाया है रब ने, अरे तुम्हारे नाम से आलम ये सारा चलता है, तुम्हारे नाम से आलम ये सारा चलता है, नबी के जिक्र से दुरूद पढ़ता है अनवर जो दिल आका पर, दुरूद पढ़ता है अनवर जो दिल से आका पर, तो करम हुजूर का उस पर जरूर होता है, करम हुजूर का उस पर जरूर होता है। बात हो रही थी दुरूद की, दुरूद पढ़ता है जो भी आका पे करम उस पर जरूर होता है, दुरूद उस पर जो पढ़ता है आका पे करम जरूर होता है, नजर करम जरूर होती है। तो शायर लिखते हैं कि नबी नबी बस पुकारता हूँ, नबी बस पुकारता हूँ, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन कहा कि नबी नबी बस पुकारता हूँ, नबी नबी बस पुकारता हूँ। और बात हुई दुरूद की कि या रब नजरों को आज ऐसी बिनाई दे, या रब नजरों को आज ऐसी बिनाई दे जिधर देखूं मदीना दिखाई दे, मदीना दिखाई दे, और एक आश ऐसी रवानी हो इन हवाओं में, एक आश ऐसी रवानी हो इन हवाओं में जो भेजू नबी पर दुरूद तो जवाब सुनाई दे। सुभान अल्लाह, बात खत्म कर दी भाई, क्या जो दिल से आका पे, अल्लाहुम्मा सल्ल तो करम हुजूर का उस पे जरूर होता है, हुजूर का हो करम जिस पे वो सवरता है, जिक्र से मेरा मकाम सुभान अल्लाह बढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अली व सहाबी व बारिक वसल्लि व सल्लु अलैहि। और सैयद ज़ुबैर रहमानी साहब इस वक्त हमारे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए थे, और मुफ्ती साहब से ज़रा सा बात करते हैं फिर हम लोग नातख्वां की जानिब चलते हैं। मुफ्ती साहब जुम्मतुल विदा, और बस ये विदाई है और दिल ज़रा सा दुखी है, ज़रा नहीं बोला बहुत दुखी है, बस कहते हैं रमज़ान फिर नसीब होंगे ना होंगे, और हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? जब गुजर जाएंगे माह 11 आए आए तेरी आमद का फिर शोर होगा, आए आए क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, अलविदा अलविदा माह रमजान। यकीनन ये रमजान मुबारक जब मिलता है
तो खुशी तो होती है लेकिन जाने का बहुत ज़्यादा गम होता है कि पता नहीं आइंदा साल यह रमज़ान दोबारा हमें देखना नसीब हो या ना हो। यह रमज़ान कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मेहमान बनकर आया था, पता नहीं यह रमज़ान को हम खुश कर भी पाए हैं या नहीं। आए, आए, आए। एक दिल की कैफियत ही अजीब होती है और हर शख्स रो रहा होता है कि पता नहीं मैंने इस रमज़ान को वैसे इसकी खिदमत की है जैसे इसका इसकी खिदमत करनी चाहिए थी, वैसा इसका हक अदा किया है या नहीं किया है। वो रो रहा होता है कि ये दोबारा ये जितनी भी रौनकें हैं बरकतें हैं ये दोबारा मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो मैं देखने वाले जितने भी हमारे नाज़रीन हैं मैं उनसे सिर्फ यह कहूँगा कि चंद दिन बाकी हैं, जितना हो सके समेट लीजिए नेकी, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। बेशक। और आज का दिन जुम्मे का दिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी साथ होती है कि जिसमें जो मांगा जाए अल्लाह जरूर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फिर रमजान का महीना और वो भी जुम्मतुल विदा का दिन हो, तो जितना हो सके बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर बिगड़ी बनाएगा। बेशक बिगड़ी बनाएगा मेरा अल्लाह। और इस्तिग़फ़ार आखिरी अशरा, और अब है जुम्मतुल विदा भी, वो भी हमारे लिए आखिरी। और फिर यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक जो जो इस वक्त जो है दुआ कर रहे हैं, हाथ बुलंद करें, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत करे और अल्लाह पाक हमें सआदत नसीब करे कि आगे भी हम लोग उम्रा करें, हज करें और आगे रमज़ान भी हमें नसीब हो। आमीन सुम आमीन। और नात ख्वाह यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह आमिर, उनसे सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यार से पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। जी आमिर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, सुभान अल्लाह, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले रखा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रखा है, और यहाँ पर जिंदगी चलती किसी की या रसूल किसी की, मदीने वाला की बुलवा रहा है, मदीने नहीं चलती यहाँ किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। लोगों के पास बहुत पैसे हो जाते हैं लेकिन जब तक वहाँ से इजाजत ना मिले तो बंदा नहीं जा सकता। लोग हज उमरा के पैसे असबाब बहुत ज्यादा हैं लेकिन जब तक इजाजत ना मिले सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से तो इंसान नहीं जा सकता वहाँ पर। तो के मेरा दिल मुझसे पहले मदीना जा रहा है कि दरबार मुस्तफ़ा में पहुँचने से पहले ही मदीना, दिल जो है हमारा मदीने पहुँच चुका है ख्यालों में। तो शायर इसी बात को देखते लिखते हैं कि क्यों आगे रो रहा है दरबार मुस्तफ़ा, क्यों आगे रो रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, और हर दर्द की दवा है दरबार मुस्तफ़ा में, और सीने में हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने में हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, और दिल मुझे ढूंढता है दरबार मुस्तफ़ा में। सुभान अल्लाह।
اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا کیا بات ہے سبحان اللہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی صحیح چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا کیا کہتے ہیں کاشی بھائی کاشی بھائی جتنا لنگر کھا رہا ہے کہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ اور شاعر لکھتے ہیں کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیری ہاتھ کی پکی عرش تک رہی ہے فاطمہ عرش تک رہی ہے فاطمہ کہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ اور بروز محشر جو ہے حشر کا میدان برپا ہوگا مختلف پاک دامن بیویوں کی آمد ہوگی لیکن جب سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی بیٹی جب تشریف لائیں گی صدا آئے گی کہ تمام احباب جو ہے اپنے گردنوں کو جھکا لو محمد کی بیٹی سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہے کیا جتنا لنگر کھا رہا ہے آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریمہ کی لجپال گرانا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عامر اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور ہم مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں درود پاک ویسے بھی اگر رمضان نہ ہو تو لوگ ہر جمعے کو خاص اہتمام کرتے ہیں اور درود پاک زیادہ پڑھتے ہیں اس کی فضیلت ہمارے لیے رمضان میں اور ایسے ہی جمعے میں کیا ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن یا جمعرات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہوتی ہے اس دن جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے عام دنوں کا درود جو ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں لیکن جمعے کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے میں مصطفیٰ خود اس کا درود پاک پڑھنا سنتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں اور یہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے ہی نیکیوں کا مہینہ ہے ہی برکتوں کا رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ تو اس میں ہمیں جتنا ہو سکے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے نماز ہم پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں اس عبادت کا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی غلام غوث انور مدنی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے چلے جا رہے ہیں ہماری نالج میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت نعت خواہ موجود ہیں جواد قادری صاحب جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے بڑے پیار سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم جی
हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने तक पहुँचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मैं कर के सितम अपनी जा पर, मैं कर के सितम अपनी जा पर, कुरान से जाऊंगा सुन कर, मैं कर के सितम अपनी जा पर, मैं करके सितम अपनी जा पर, कुरान से जाऊंगा सुन के, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान जवाद। कादरी साहब इस वक्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अच्छा जी मुफ्ती साहब, वो कौन सी ऐसी, मैं चाहती हूँ जाते जाते कोई ना कोई मैसेज हम शेयर करते, वो कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक हमें नहीं मालूम जुम्मतुल विदा से जो मुतालिक या रखती हो या ताल्लुक रखती हो, जो हमें और हमारे आने वाले बच्चों को अभी भी इससे ना वाकिफ है? देखिए जुम्मतुल विदा जो है वो ये आखिरी जुम्मा हम विदा करने के लिए, यानी इस रमज़ान के आखिरी जुम्मे को हम अलविदा कह रहे होते हैं कि अब ये जुम्मे के बाद कोई और जुम्मा नहीं आएगा। अच्छा सुने, जुम्मा कयामत जब होगी तो भी जुम्मे का ही दिन होगा? जी हाँ बिल्कुल, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क्यामत जो है वो जुम्मे के दिन ही कायम होगी, और जुम्मे के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया है, और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नाजिल फरमाया, यानी आप ज़मीन पर उतरे, और इसी दिन यानी जुम्मे के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम
और हज़रत नूह आला नबी नवाली सलातो असलाम की जो कश्ती है वो जूदी पहाड़ से इसी दिन टकराई थी। देखो जिनका कितना मकाम है। जुम्मे को सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक अलैहि सलातो असलाम ने इस जुम्मे के दिन को ईद का दिन करार दिया। आए, आए। आज लोग इस फड्डों में इन बातों में पड़े हुए हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। यानी ये ईद कहाँ से आ गई है? दो ईदें हैं इस्लाम में तो ईद उल फितर ईद उल अज़हा, ये ईद मिलादुन नबी कहाँ से निकाल ली? भाई ईद मिलादुन नबी तो एक साइड पे करें, पहले नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन ईद है, तो इसको भी तो ईद का दिन करार दिया है। तो मालूम ये हुआ कि ये जुम्मा जिस हस्ती की वजह से मिला है, ये कायनात जिस हस्ती की वजह से मिला है, जिस दिन वो कायनात में तशरीफ लाए हैं, तो उस दिन को ईद के दिन कहने में क्या मानत हो सकती है और क्या मसला हो सकता है? अच्छा एक और भी बात है, जुम्मे को जाहिर बात है मैं अपने घर में जो देखती थी, पहले ये तो जुम्मे को छुट्टी होती थी और मेरे वालिद साहब, मैं कहती हूँ हमारे घर सुबह 10 बजे से एक वो होता था कि कपड़े इस्त्री करने हैं शलवार कमीज रेडी होनी है और मेरे भाइयों ने तैयार होना है, मेरे वालिद साहब अपने नाखून वगैरह तराशना, फिर वो जाते जाते मेरी वालदा से पैसे लेके जाना मस्जिद में डालने हैं और पूरा एहतमाम, फिर आलू गोश्त स्पेशली बनते थे और मेरे वाले से मतलब इस पूरा एक घर में वो होता था, माहौल होता था। मामूल हुआ करता था कि सहाबा इकराम सुबह से ही फजर के बाद से ही, सच कह रही हूं, इतने फजर के बाद होता था हमारे घर में, ये फजर के बाद से ही जुम्मे की नमाज की तैयारी में मशगूल हो जाते सहाबा इकराम, और जुम्मे की नमाज कायम होने से पहले पहले वो मस्जिद में तशरीफ ले जाया करते थे। आज हमारा आलमिया ये है, जुम्मे का दिन होता है जब इमाम साहब बिल्कुल खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं या इमाम साहब रकत शुरू करती हैं तो दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं कि किसी तरीके से हम जुम्मे की नमाज में पहुंच जाएं। तो यहाँ भी मैसेज सिर्फ ये है कि देखिए ये जुम्मे का दिन जो होता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि इसमें एक ऐसी साद है कि जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो हमें ये चाहिए कि जुम्मे का एक प्रॉपर एहतमाम करें, जुम्मे के दिन अपने बाल कटवाना, इसी तरह जेर मुँह नाफ के बाल कटवाना, एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं उन बालों को साफ करना, इसी तरह नाखून वगैरह तराशना, मस्वाक करना, ये सुन्नत मुबारक है, तो इन चीजों को, इसी तरह गुस्ल करना ये मुस्तहब है, सुन्नत मुबारक है, खुशबू लगाना ये सुन्नत मुबारक है, अच्छे कपड़े उजले कपड़े पहनकर मस्जिद में जाना ये सुन्नत मुबारक है, लिहाजा एक एहतमाम करके जो है हमें जुम्मे की। अच्छा मुफ्ती साहब ये जो जाहिर सी बात है पहले जुम्मे में वैसे तो 5 वक्त नमाज होती है लेकिन जुम्मे से पहले खुतबा दिया जाता है, उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? देखिए जुम्मे के दिन जो खुतबा दिया जाता है, ये खुतबा देना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और खुतबा सुनना ये वाजिब है और जुम्मे की नमाज के लिए खुतबा जो है वाजिब है और इसका सुनना भी वाजिब है, यानी खामोशी के साथ जुम्मे की नमाज का जो खुतबा दिया जाता है उस खुतबे को सुनना वाजिब है और चूंकि वो अरबी में होता है तो लिहाजा हम तो अरबी नहीं है तो उससे पहले उर्दू में जो तकरीर होती है, जो बयान होता है, बयान उस बयान में हमें जरूर जाना चाहिए, उसमें हमें सीखने को मिलेगा और उलमा इकराम जो हमें सिखाएंगे, जो शरी मसाइल सिखाएंगे, जो अवेयरनेस देंगे, जो हमें रहनुमाई हमें फराहम करेंगे, हमें जरूर उसमें शरीक होना चाहिए, लेकिन कम अज कम हमें अरबी के खुतबे को सुनने के लिए मस्जिद में जरूर जाना चाहिए। अच्छा मैं अक्सर मेरे घर में आवाज आ रही होती है वो कोई ना कोई, जैसे हम लोग हर रोजे में एक टॉपिक एक हमने मुकर्रर किया उस पर गुफ्तगू की, तो बिल्कुल खुतबे में भी कभी मियां बीवी के हुकूक, कभी वालदेन के हुकूक, ऐसे ही और बच्चों पे शफकत या इस तरह की बहुत सारी बातें कानों में आवाज आ रही होती है, तो मैं कहती हूँ देखो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, ये रहनुमाई ही है ना, ये हिदायत ही दे रहे हैं ना, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो, तो अहले इल्म अगर हमें सिखा रहे हैं तो हमें जरूर उनके बयान को सुनना चाहिए, उनके बयान में बिल्कुल, और नमाज से पहले लोग जो जाते हैं ये तो बड़ा अजर सवाब है, और ये जो लोग बेचारे भाग भाग के जाते हैं नमाज, बस वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो कहे अल्लाह अकबर और वो फिर जाके दौड़ते हैं, चले अल्लाह पाक कबूल करे, वो जात है बड़े गफूर रहीम। यहाँ पर मौजूद है बाबर सना ख्वाह, उनके नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सुनते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन। जबी मेरी हो संगे दर तुम
رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی علی و صحابی و بارک و سلیم و صلو علی جی میں زبیر بھائی آپ سے التجا کروں گی ذرا ہمارے ساتھ کچھ میرے پیارے بھائی جو ہیں کاشف بھائی بھی جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر اور ذکر کلام کے اندر جو اشعار سناتے ہیں وہ نعت اور خوبصورت ہو جاتی ہے جی بسم اللہ یہ ناز یہ انداز کیا بات ہے زبیر بھائی ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہم جیسے نکمبوں کو گلے کون لگاتا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار اگر آپ ہمارے سبحان اللہ کاشف بھائی سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے کہ سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں ہم تو درے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں اور آتا ہے جو بھی مانگنے جاتا نہیں ہے خالی آتا ہے جو بھی مانگنے جاتا نہیں ہے خالی کہ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی سرعام چل رہے ہیں ہم جیسے کھوٹے سکے بھی سرعام چل رہے ہیں
कि जबी को अपनी झुका कर मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। जहां से मौला अली ने मांगा जहां से हर एक वली ने मांगा उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। सुभान अल्लाह जी जबर भाई अगर आप मिलती ना अगर भी गए हुजूर आप के दर से तो इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज और हासिल कलाम शेर क्यों जिक्र सहाबाना करे क्या चांद के नजदीक सितारे। सुभान अल्लाह बात छिड़ी साहबा कराम की माशाल्लाह कि शायर लिखते हैं क्या खूब लिखते हैं खुलफाए राशिदीन सिद्दीक उमर उस्मान हैदर के बारे में कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेज दिया मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेज दिया ऊंचे बदन पर ही ऊंचा सर भेज दिया। और बढ़ने लगा था जोर जब जहालत की फौज का बढ़ने लगा था जोर जब जहालत की फौज का तब कहीं रोहे जमी पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर को भेज दिया। तब कहीं रुहे जमी पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर को भेज दिया मर्द जलाल मर्द हुनर को भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत काशिफ भाई और जुबैर भाई ने एक खूबसूरत सुरूर महफिल नकीब महफिल है तो सुरूर महफिल तो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। जहाँ नबी का जिक्र हो वो महफिल में खुद ही महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लम व सल्लू अलैहि। और जी नाज़रीन हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का स्पेशल पैकेज देखते हैं क्योंकि ये है सेगमेंट छोटी सी नेकी का और हमने भी करनी है छोटी सी नेकी और बन जाना है अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम नेकियां करते हैं जो हम अपना सकात खैरात सदकात देते हैं वो भी एक नेकी में ही शुमार होता है। तो क्या आप नहीं बनेंगे अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा? यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं स्पेशल पैकेज अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल मदद ज़रूर करनी है। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जैसे कि आपको मालूम है जुम्मतुल मुबारक है और अलविदाई जुम्मा भी कहते हैं लेकिन जैसे जैसे हमारे रोज़े गुजरे हैं बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स मेडिसिन भी लेते हैं और इसकी वजह से वीकनेस बहुत हो जाती है। हम नॉर्मल वीकनेस और कमज़ोरी की बात करते हैं या गुर्दे ख़राब हैं या शुगर पेशेंट है लाइक या कुछ भी लिवर काम नहीं कर रहा खून नहीं बन रहा। लेकिन एक और चीज़ है जो वो बच्चे या वो लोग जो एतकाफ में बैठे हैं और उनको अल्लाह न करे जॉइंट्स पेन है हड्डियों का दर्द है उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। और वो लोग जो जाहिर सी बातें तरावी पढ़ना और बड़े दिल से वो लोग छोड़ते भी नहीं हैं आपको पता है जो लोग अल्लाह के साथ लो लगा लें वो इन चीज़ों के लिए उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जिनको हड्डियों का दर्द है और फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम है
और उठने बैठने में प्रॉब्लम है, आज हम उनकी बात करेंगे। कैल्शियम डेफिशिएंसी और लिवर, खून ना बने और हड्डियों में दर्द हो तो बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो मैं कहूँगी, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ानुल मुबारक है, तो मैं कहूँगी तिब्बे नबी, हिकमत की बात तिब्बे नबी के साथ। खजूर खून पैदा करते हैं, और अगर आप इंजीर की बात करें, कुरान में इन सब का जिक्र है, और अक्सर लोग जो शुगर पेशेंट है वो इंजीर को भिगो के खाते तो भी फायदेमंद है, और वैसे भी खाया जाए वो भी कैल्शियम बहुत अच्छा पूरा करता है। शुगर में ऑलमोस्ट, सॉरी खजूर में ऑलमोस्ट जो है वो मौजूद होती है कैल्शियम। आज इससे रिलेवेंट बात करेंगे, वो लोग जो हड्डियों के दर्द में मुबतला हैं वो ज़रूर लाइव भी कॉल कर सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम आपकी रहनुमाई कर सकें सेहत के हिसाब से। तो हमारे प्रोग्राम में कौन होते हैं? जी हाँ, जब सेहत की बात होती है, हिकमत के साथ होती है, तो हकीम साजिद इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सभी आप सुनाएं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। सारी माशाल्लाह आपकी वो तीन बातें तो मैं नहीं भूलती, वो भी रिपीट हो जाए, और आज हड्डियों के दर्द की बात हो जाए। जी, आज जुमतुल मुबारक है और जुमतुल विदा है। अल्लाह पाक जो है इस तरह के हजारों जो है मैं कह सकता हूँ कि नेकियां समेटने का महीना, और अल्लाह से अल्लाह ताला से मगफरत मांगने का, जहन्नम से निजात का जो अशरा चल रहा है, रमजानुल मुबारक। हो सकता है अगले साल हमें ये ना मिल पाए, ये चंद दिन है, आप समेट लें, और जिंदगी का भरोसा नहीं है, और बस यही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम गुनाहगारों को भी बख्श दे, और हम इस काबिल नहीं, हम आपकी इबादत नहीं कर सकते और हक अदा नहीं कर सकते, बस आपकी रहमतों से उम्मीद है, जितना है वो हम कर सकते हैं, जितना हो सक रहा है। और वो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो एतकाफ़ के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इनका एतकाफ़ कबूल फरमाए, और आपकी नेक अमालों के सदके अल्लाह पाक हमें भी बख्श दे, हमारी यही दुआ है। सभी ने बात की है जोड़ों के दर्दों के मुतालिक। जोड़ों का जो मर्ज होता है वो ये समझ लें कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हर चौथा बंदा जो है वो जॉइंट पेन के अंदर मुब्तला है। अगर हम बात करें तो ये पहले वक्त में हुआ करता था कि 30 साल 35 साल के बाद जोड़ों का दर्द होता था, आजकल तो ऐसे है सभी कि पहले दिन का जो बच्चा है, पहले दिन से बच्चे से लेके ये 100 साल तक की किसी भी उम्र के शख्स को गठिया हो सकता है, ठीक है, जिसको हम रेमोटाइड एथराइटिस बोलते हैं, और आर फैक्टर हो सकता है, मतलब कि आर फैक्टर रेमोटाइड आर्थराइटिस को बोलते हैं, ठीक है जी, और ओए ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस की किस्म ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी बहुत सी इकसाम है जोड़ों के दर्दों की, इसके अंदर जो आर्थराइटिस की बहुत सी इकसाम है। आर्थराइटिस में कॉमन जो हमारे पास है ओ ए फैक्टर है और आर ए फैक्टर है, रेमेटाइड ऑर्थराइटिस है और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस है। ऑस्टियो ऑर्थराइटिस के अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात हो रही थी सभी, वो यानी कि ऑस्टियो हम हड्डी को बोलते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस और प्रोसेस हम क्या बुरबुरा होने को बोलते हैं। यहाँ पे जो हड्डियों का बुरबुरा होना, मैं जोड़ों के दर्द की जो सबसे बड़ी वजूहात होती है, जैसे तो मैं शुगर के हर प्रोग्राम के अंदर इसका जिक्र करता हूँ कि शुगर का मरीज जो है वो हड्डियों के जो है बुरबुरा हो जाता है, हड्डियों का उसको बिल्कुल जो है कमजोर हो जाती है। अच्छा, शुगर से हटके भी लाजमी नहीं है कि एक मरीज को जो मैं बातें कर रहा होता हूँ कि सिर्फ शुगर ही हो और उसको बाकी बीमारियां शुगर की वजह से ही हो, शुगर के अलावा भी जो मरीज हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। बल्कि मैक्सिमम हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको शुगर तो बात की बात है, ऐसे 30% लोग आते हैं जिनको रेमेटाइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर इनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके बाद जो है फिर ये है कि वो शुगर में भी मुबतला थे 30% लोग। लेकिन 70% ऐसे हमारे मुआशरे के अंदर लोग पाए जाते हैं जिनको किसी ना किसी हवाले से वो आर्थराइटिस की किसी किस्म के अंदर मुबतला हैं। सही, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ताल्लुक है या रेमेटाइड आर्थराइटिस का जो ताल्लुक है सबसे पहले जो है हमारी हड्डियों के साथ है, हमारी हड्डियों के साथ है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ है, और इसकी जो बेसिक वजूहात है वो है आपका जिगर। आपका जिगर जिस वक्त आपका सबसे पहले होता ये है सभी के जिगर प्रॉब्लम में होता है। जैसे हम एक आम सी सादा सी बात करते हैं उन पेशेंट के लिए
کہ جو مثال کے طور کے بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈسٹالک اور سسٹالک جو آپ کا بلڈ پریشر اوپر اور نیچے کا, عام زبان میں بولتے ہیں ہم, آپ کا ایک اگر نیچے کا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ آ رہا ہے, مثال کے طور کے اوپر وہ 70 سے زیادہ آ رہا ہے, 80, 85, 90, 100 آ رہا ہے, اور اوپر کا, ابھی میں نیچے کے بلڈ پریشر کی بات کرتا ہوں, نیچے کا بلڈ پریشر اگر آپ کا زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے کڈنی میں پرابلم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ٹھیک ہے. کہ اگر نیچے کا بلڈ پریشر کم آتا ہے, آپ کا زیادہ آتا ہے, تو آپ کا بلڈ پریشر کا زیادہ ہونے کی انڈیکیشن آپ کی کڈنی کو ہوتی ہے. اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جانا, اوپر کا اگر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ آ رہا ہو, اس کا مطلب ہے کولیسٹرول کا بڑھ جانا یا آپ کے خون کا گاڑھا ہو جانا, جو نقصان دہ, جو نقصان دہ ہوتا ہے, کلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے نا, کلاٹنگ شروع ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے, ابھی میں نے اس فکرے کا آسٹیو کے اندر اس لیے ذکر کیا کہ میرے نزدیک ایسے مریض جو آسٹیو آرتھرائٹکس یا ریماٹائڈ آرتھرائٹکس کے اندر مبتلا ہیں, یہ لوگ جب پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں, ان کا جگر اور گردہ ضرور متاثر ہوتا ہے. گردے کے متاثر ہونے سے ان کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے. یورک ایسڈ اس لیے بڑھتا ہے کہ گردہ ٹھنڈک میں چلا جاتا ہے, سردی خشکی کے اندر چلا جاتا ہے. ابھی ہم اس یورک ایسڈ کو تحلیل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے عارضی طور پہ بھی اس کو کم کرتے ہیں, اور پرماننٹ اس کا علاج ہمارا تب ہوتا ہے جب ہم جگر کو کیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے سبھی. ابھی ایسا جگر کو کیور ہم ایسے کیسے کرتے ہیں, جگر جب اپنا حرارت غریزی یا حرارت غریبی میں آ جاتا ہے, جگر جب آپ کا صحیح طرح سے آپ کے کھانے کو ہضم نہیں کروا رہا ہو, حرارت غریبی سے مراد کہ آپ کا جیسے چولہا ہے کچن کے اندر پڑا ہوا, اس کی آگ کم جل رہی ہے تو بھی آپ کا کھانا صحیح نہیں پکے گا, اگر بہت زیادہ آگ جل رہی ہے تو بھی کھانا نہیں پکے گا. جگر کا جو حرارت کا سٹینڈر ہوتا ہے نا, یہ بات تو عام سے لوگ بولتے ہیں کہ جی جگر کا جو مسئلہ ہے, ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا سبھی, وہ بولتے ہیں جی جگر میں گرمی ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, جی جگر میں گرمی ہو گئی ہے, جی جگر میں گرمی ہو رہی ہے, جی مثانے میں بھی گرمی ہے. مطلب کہ مثانے سے مراد ہماری کڈنی آ گئی ہے, کڈنی کے جو ہمارے لوازمات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ابھی سب سے بیسک جو وجوہات بنتی ہے, آپ کا سیلف میڈیکیشن کرنا. آپ ایک ڈبی اٹھاتے ہیں, اس ڈبی کے اوپر ایک جوڑوں کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور آپ نے پینا شروع, اور آپ نے اس کو کھانا شروع کر دیا. پتہ چلتا ہے جی یہ فلاں نام ہے, میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ کم لوگ ایک دوسرے کو بھی تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ارے تمہاری یہ طبیعت ہے, یہ جا کے نا یہ گولیاں کھا لو, وہ گولیاں کھا لو, جوڑوں کی دردی ہے, اس کے اوپر ریڑھ کی ہڈی کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر گھٹنوں کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور یہ آپ اللہ کے بندے ڈائریکٹ سے سٹیرائڈ ایلوپیتھک یوز کروا سکتا ہے, ہم لوگ سٹیرائڈ یوز نہیں کرواتے, اور ہمارے ہم جو ہے ہربل کے اندر وہ چیزیں دیتے ہیں جو دردوں کو کور کرتی ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو ایک وقت کے اوپر آ کے وہ کانٹیزول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آرتھرائٹس میں دیتے ہیں, لیکن میں بولتا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر کوئی میڈیسن کو کام کروانے کے لیے ہمیں بہت سے جتن کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے جو آپ نے وہ لی ہوتی ہیں سٹیرائڈ چیزیں لی ہوتی ہیں, ہم اس کے اثر کو زائل کرواتے ہیں. کچھ ایسے حکیم بھی ہیں جو اپنے میڈیسن کے اندر جو ہے سٹیرائڈ یوز کر رہے ہیں, جبکہ نہایت خطرناک ہے, بلا وجہ کروا رہے ہیں. کڈنی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے جسم کے اندر ایک اعضائے ریسہ کے جیسی حیثیت رکھتا ہے, تو لہٰذا آپ کوئی بھی, جیسے اکثر آپ نے میری بات کو سنا ہوگا کہ میں منع کرتا ہوں سیلف میڈیکیشن سے. اگر آپ کے جوائنٹ پین ہو رہا ہے, آپ اچھے طبیب سے رابطہ کریں, اپنے طبیب سے رابطہ کر کے پوچھیں آپ کے جوڑوں میں درد کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہو رہی ہیں, آپ ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ آپ کس چیز کا کروا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ وٹامن D3 کا ٹیسٹ کروائیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا LFT کروائیں, آپ اپنا یورین ٹیسٹ کروائیں. یورین ٹیسٹ کروانے سے ہم کو یہ پتہ پڑے گا کہ آپ کے جسم کے اندر سے پروٹین تو خارج نہیں ہو رہی, گلوکوز اور پروٹین تو ضائع نہیں ہو رہی. اچھا ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, آپ نے جو یہ ابھی گلوکوز اور پروٹین کا, میں جن کا مثانہ بہت کمزور ہے, ان کے بار بار وہ یورین پاس کرتے ہیں بےچارے, اور پھر ظاہر پتہ وضو بھی جو ہے نماز پڑھتے, پھر ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے جیسے
पेशाब के कैसे कतरे करना, ये बड़ी प्रॉब्लम बड़ी। मौजू की तरफ मुझे याद आ गया कुछ आपकी बात है कि पिछले दफा भी प्रोग्राम में ये बातें हमारी चल रही रह गई थी, बल्कि रह गई थी कि जी मसाने में ऐसा होता है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, और अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो खांस रहे हो उनको खांसी बिल्कुल बिल्कुल तो उनका यूरिन का अखराज हो जाता है। अच्छा ये देखें, हमारा मसाने का ताल्लुक किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, किडनी का मजबूत होना इसमें सभी ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं मास्क अलबोल इस बीमारी को। लेकिन ये बीमारी किस पोजीशन में होती है, ऐसे पेशेंट जिनको अपने जिस्म के ऊपर अगर पानी का कोई कतरा भी टच हो गया, कुछ को पता नहीं होता, मैं ये अल्फाज जब मैं आपको बताऊंगा फिर आप गौर करेंगे, आपको जी, जी, बिल्कुल। इसका पता चल जाएगा। जिस्म के ऊपर आपके पानी लग जाता है, आप पानी का गिलास पीते हैं तो पेशाब की हाजत हो जाती है, आप नहाने लगते हैं और वॉशरूम से फ्री होके आप अपने ऊपर पानी का एक मग्गा डालते हैं, आपको पेशाब की हाजत हो जाती है, यूरिन की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसको हम बोलते हैं मास्क अलबोल। इसकी सबसे बड़ी वजूहात आपके आंतों का कमजोर हो जाना। अच्छा ठीक है। एक तो मेरा भाई हमेशा यूनिक बात करता है, ये मैं सोचो मैं शॉकिंग हो जाती हूं ना, इसलिए मुजर्रब है कि अगर हम अपना एक हमारा ज्वारिश होता है, अगर हम कारोबारी मरकबा आंतों का इंफेक्शन कह सकते हैं, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपकी आंतें कमजोर हो चुकी हैं। और कमजोर कैसे हो चुकी हैं, अभी मिसाल के तौर के ऊपर बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर के ऊपर, हम उनको क्या करवाते हैं, हम उनके मैदे और आंतों को मजबूत करते हैं तो वो पेशाब करना अपने बिस्तर पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल एंटीक बात है, कहाँ मसाना कहाँ मैदा। लेकिन ज्वारश मस्तगी इस्तेमाल करवाते हैं हम, ठीक है। ज्वारश मस्तगी का मेन जो काम है वो आपकी आंतों को ताकत देना है, आपके मैदे को मजबूत करना है। उसके साथ साथ जब आपकी ये चीज़ें मजबूत होती हैं, मसाना ऑटोली मजबूत होगा, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ जो आंतें इस तरीके से आपके खाने को आगे रिफाइन करके भेजेंगी सारी चीज़ों को, कि आपके जिस्म के अंदर सही तरह से छोटी जो हमारी छोटी बड़ी और हमारी तीन तरह की आंतें होती हैं, तीन तरह का, एक बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, इसके दरमियान में एक इस दरमियानी आंत होती है, इन सब का फंक्शन यही है कि आपकी खुराक को सही तरीके से हजम करवा के करवाना और फजलात को बाहर निकालना, ये हम यानी कि डॉक्टर के पास जब हम जाएं और डॉक्टर ये सवाल जरूर करें कि भाई आपका खाना हजम होता है, कहीं आपका खाना जैसे होता है ना डिकार से बाहर आ जाना, पानी गिरना, और ये होता है, ये मैं सच बता रही हूँ, इस तरह के लोगों को जो कुछ खाया उसको वही डिकार महसूस होगा, महसूस होगा। और ये मैदे की खराबी है आपकी, आपकी आंतों की प्रॉब्लम है ये। देखें पाकिस्तान के अंदर मैं अपनी जाती मतलब की बात करता हूँ, मैं मेरे मुआलजीन मेरे डॉक्टर हजरत जो सुन रहे हों, देर से हजम होना आपको देखें, हम जब एक कोई भी मेडिसिन दे रहे होते हैं, सभी कोई भी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये पेशाब का मसला हो रहा है, ठीक है, इस पेशाब के मसले को हम सिर्फ इस तरह कवर नहीं करेंगे कि हम सिर्फ मसाने के पीछे लग जाएं, ठीक है, हम अपनी हर मेडिसिन के साथ तीन चीजों का बहुत अहम ख्याल रखते हैं, मेरी वो शुगर की मेडिसिन हो, मेरी वो इसकी मेडिसिन हो, एथराइटिस की जो अभी चल रही है, गठिया या जोड़ों का दर्द जो चल रहा है, एक तो हमारे मतलब के अंदर जो इन जोड़ों के दर्दों के मतलब दवाई दी जाती है ना, शुगर का जिस तरह मेरा इलाज गारंटी के साथ है, इसी तरह सभी रेमाटाइड एथराइटिक्स और ओस्टियो एथराइटिस का मैं गारंटी के साथ इलाज करता हूँ अल्लाह के फजलो करम के साथ। बिना मैंने आपको पहले बता दी मेरी तीन बातें जो हर प्रोग्राम में दोहराई जाती हैं, निहार मुंह पानी पीना जोड़ों के दर्द का बायस है, अमेरिका और जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक निहार मुंह पानी पीना जोड़ों के दर्द का बायस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीकात मौजूद हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लम से फरमान है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स निहार मुंह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीन चीज़ें इंसान को बुरा कर देती हैं, निहार मुंह पानी पीना, खट्टी चीज़ें खाना, गमो फिक्र रखना, और देखें ये तीन चीज़ें हो गई, निहार मुंह पानी पीना, खट्टी चीज़ें खाना, गमो फिक्र रखना, ये तीनों चीज़ें आपको बुरा करने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। और मैं आपको एक और, ये एक मेरी पोस्ट बनाई हुई थी उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ था कि
जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक भी, और अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो जोड़ों के मरीज होते हैं, जोड़ों के दर्दों के जो मरीज होते हैं, ऑस्टियोथराइटिस के, रेमेटाइड अर्थराइटिस के, रोमेटिक अर्थराइटिस के, जितनी भी इकसाम बेशुमार हैं इकसाम इसकी, तो जो इसके अंदर जितने भी लोग मुबतला हैं, हमारे हिकमत में तो इसको बड़ा आसान कर दिया है ना इलाज को। हम तो एक जो वजह हो रही होती है उसको पकड़ते हैं, उस जब इलाज करते हैं सबसे पहले वजूहात का इलाज करते हैं, वजूहात के साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर बीमारी होगी है उसका इलाज करते हैं। एक फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर बारिश आ रही है, हमारी ये छत है ये लीकेज कर रही है और यहाँ पे पानी गिर रहा है, हम इस पानी को सिर्फ साफ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर से छत की रिपेयरिंग करेंगे फिर इस पानी को साफ। वो भी तो मिसाल दें कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा तनावर दरख्त है, हाँ जी, और वो जब ऊपर से उसका जो है पत्ते सूखने लग जाए या उसकी टहनियां सूखने लग जाए, तो ऊपर पानी नहीं डाला जाता, उसकी जड़ों में पानी डाला जाता है। बेसिक भी बात ये है वजूहात जो जिन असल में होता ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है आर्थोपेडिक माशाल्लाह बहुत 7 से 8 ऐसे लोग हैं हमारे जो आर्थराइटिस के लिए बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक तो ये कि आर्थराइटिस के पेशेंट जो सुन ले मेरी बात, इसका इलाज क्योर है ही हर्बल के अंदर। अच्छा, एक और चीज भी बताएं ना, इसकी जो लेस खत्म हो जाती है, वो मैं उसकी तरफ अभी आ रहा हूँ। अच्छा, कि हमारा जो कॉटिलेज लेयर की बात सभी कर रहे हैं, हमारे घुटनों के दरमियान के अंदर जो हड्डी होती है जिसको हम कॉटिलेज लेयर बोलते हैं, आम अगर हम कुर्बानी के जानवर देखें तो उसके दरमियान में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम मुड़कनी हड्डी बोलते हैं, मुड़कनी हड्डी बोलते हैं, इसी को भाई को सब पता है, इसी को हम कॉटिलेज लेयर। मजे की कितनी होती है ना, वो मजे की वो बहुत होती है। ये जो हड्डी होती है ना ये हमारे इस घुटने के दरमियान के अंदर मौजूद होती है, जब कॉटिलेज लेयर किसी भी तरीके के साथ यूरिक एसिड के बढ़ जाने से, यूरिक एसिड जो है ना एक एमरी पेपर का काम कर रहा होता है, एक रेख मार का काम हमारे इसके अंदर यूरिक एसिड कर रहा होता है, वो हमारे घुटनों को इस तरह कार्टिलेज लेयर को इस तरह आपस में जो है रगड़ करना शुरू कर जाता है। जब हमारा जो ग्रीस, एक मिसाल में अगर हम बोलें कि बोन ऑयल हमारा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराने लगती हैं और टकरा के ये घिसना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर घुटनों की हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे कहा जाता है जी आपके घुटने चेंज होंगे, आपके घुटने चेंज हो गए, घुटने चेंज करने के अलावा कोई हल नहीं है। 6 माह का इलाज होता है सभी, ठीक है, अगर घुटने चेंज करने का बोल दें, या ऐसे हमारे भाई जो मोरों के मर्ज के अंदर मुबतला हैं और मोरों के मर्ज के अंदर ये अल्फाज बोलते हैं कि जी आपका ऑपरेट होगा हराम मगज की नस जो है आपकी L3, L2, L4, L5 स्पाइनल डिस्क जो हमारी होती जी, है जी। या इसी तरह आप जिक्र कर रही थी सर्वाइकल के प्रॉब्लम जो हमारे जी, होते हैं, इसके अंदर हमारे जो हराम मगज की नस होती है ना, जिस वक्त ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना सभी, कैल्शियम की कमी होती है, तो ये जो हमारी हड्डियां ना ये नोके बनाना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसे हाथ लगाए ना, ऐसे पेशेंट भी हैं, मेरी बहन सुन रही हो मेरा प्रोग्राम, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से कांटे बन जाते हैं, कांटे अगर ऐसे हाथ लगाए ना उसके ऊपर ऐसे महसूस होता है कि जैसे बिल्कुल नोके नोक बन जाती हैं, कि ऐसे शख्स का पेशाब करना, यूरिन करना अजाब से कम नहीं होता। कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, हमें हमारे आर्थो बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, इतने सालों से फलां डॉक्टर के पास इतने, एक तो बहुत महंगा इलाज है एलोपैथिक के अंदर सभी, बहुत महंगा इलाज है ये। और जिस तरह शुगर के पेशेंट को एक फतवा दे दिया जाता है कि आपने सारी जिंदगी इसी तरह चलना, तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात हो रही है, गठिया जिसके अंदर हमारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, एक नक्रस होता है जो नक्रस जो हमारा होता है छोटी उंगलियों का दर्द होता है, ठीक है, छोटी उंगलियों का जो दर्द होता है, और गठिया जो हमारा होता है वो बड़े ये जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है ये, और इसके साथ क्या होता है कि उंगलियां इस तरह से, अल्लाह माफ करे, ऐसी पोजीशन मेरे पेशेंट आते हैं कि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो मैं बोलता हूं कि खुदारा इसको आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन के अंदर ही कवर करना शुरू कर दें। इसकी स्टेजेस होती हैं कि जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू होगी आप समझ रहे कि आखिरी स्टेज के ऊपर चल पड़े हैं, तो ऐसे पेशेंट
अपने मुआलजिन के साथ रابطہ करें। अच्छा कुछ चीजें मैं ऐसी बताता चलूं, जैसे सभी ने बात की थी, जैतून का तेल ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैतून का तेल इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ सुबह की रोशनी इस्तेमाल करें, विटामिन डी। धूप के अंदर तो आना हर शख्स को आज के दौर के अंदर इस चीज का इलम है कि हमारे जिस्म के को जो सबसे बेहतरीन किस्म की कैल्शियम मिलती है वो सूरज की रोशनी, लेकिन वो सुबह की रोशनी, सुबह की जो फर्स्ट की किरणें पड़ रही होती है, उनमें इन किरणों को अगर हम अपने सूरज के में 3-4-5-10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो इतनी बेहतरीन किस्म की कैल्शियम मिलती है। इसके साथ मरवरीत के अंदर अल्लाह पाक ने कैल्शियम रखी है, पट्ठों का इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, पट्ठे हमारे और हड्डियां हमारी आपस में इनका चोली दामन का साथ है। हाँ, जैसे मस्कुलर डिस्ट्राफी के लोग होते हैं कि उनकी जो पट्ठे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं तो वो चलने से भी कासर हो जाते हैं, ऐसे मेरे भाई जो खास तौर के ऊपर मोरों के मसाइल के अंदर मुबतला हैं, जोड़ों के दर्दों के अंदर मुबतला हैं और ऑपरेट का बोल दिया गया है, हमारे मतलब के अंदर इंशाल्लाह ताला बगैर ऑपरेट के इनका इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है हम आपको साल हा साल 25 साल 15 साल 6 साल, बल्कि मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़े फख्र से बोल सकता हूँ कि मेरे पास डॉक्टर हजरात ऐसे कराची के ही मौजूद हैं जिनका हमने ऑर्थराइटिस का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज किया। बिल्कुल, तो आपको इसके दौरान के अंदर एक तो बादी वाली चीजों का परहेज करना पड़ेगा। ठीक, अभी मेरे वो पेशेंट थोड़ा सा सुन लें जो जोड़ों के दर्दों के अंदर मुबतला हैं। ठीक, और खास तौर पे एक छोटी सी बात करता चलूं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपके पूरे जिस्म के अंदर ये जो इसके मादे होते हैं, जर्रात होते हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि किसका काम करते हैं, एमरी पेपर का। यानी कि ये कांच के नुमा, जिस तरह कांच को बारीक कर दिया जाता है, इस तरह का एक मादा होता है, ये हमारे जिस वक्त गुर्दा हमारा सही काम नहीं कर रहा होता, ये हमारे गुर्दे खून के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं एसिड, और बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर। अक्सर लोग ऐसे हैं सभी, जैसे फालिज की एक किस्म है ना, क्लॉट की बात हो रही थी, ठीक, फालिज का समझे कि हम जहाँ ये बात करते हैं ना, जोड़ों का दर्द, लकवा, फालिज और मोरों के मसाइल, नस का दब जाना, अर्कुनिसा, ये एक ही खानदान के सारे मर्ज हैं। अच्छा, अर्कुनिसा, शायटिका, जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, छोटी गुठानों का जैसे हम नकरस बोलते हैं उसको, उसका दर्द, सर्वाइकल का, हमारे गर्दन के जो मोहरे आते हैं इनका जो मसला होता है, सर्वाइकल आम जुबान में बोला जाता है, कॉलर लगाना पड़ता है, ये सब की सब कैल्शियम डेफिशिएंसी इनका बेसिक तो होता ही है। अच्छा, सेकंड नंबर के अंदर ये है कि ऐसे मरीज बादी वाली चीजों से परहेज करेंगे। सही, ऐसे मरीज दूध का जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे, अदरक का हलवा बनाएंगे, बादाम वाला, ठीक है, ठीक है, अदरक का हलवा बादाम वाला बना के इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ आलू, अरवी, बैंगन, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, माश, बड़ा गोश्त, चावल, 9 चीजें कॉमन आती हैं जो गर्म और बादी वाली चीजों में हम इसमें लेते हैं, आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल। और दसवां कर देना, बेकरी की ज्यादा चीजें भी नुकसान, बेकरी की चीजें तो हर मैं देखें, अगर मैं बेकरी को एक लफ्ज में बयान करूँ कि जहाँ पे एक बेकरी मौजूद है वहाँ पे 6 डॉक्टर होना जरूरी है, बस साजिद भाई ने तो बात ही कर, ये शॉर्टकट सी बात है, जहाँ एक बेकरी मौजूद है वहाँ पे 6 डॉक्टर होंगे तो वो उस इलाके के बीमारियों को पकड़ते रहेंगे, कवर कर पाएंगे, कवर तो उन 6 का रोजी रोटी का सेटअप उस बेकरी से चलता है, उस बेकरी से चलता रहेगा। इबादत है, हिकमत तो कारोबार नहीं है, मैं तो ये एक मजाकन एक जाते जाते मैसेज दे दीजिए प्लीज जरा। आखिरी में बात इस तरह से कर रहा हूँ जी, एक तो सभी मुझे ये बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि हमारे मतलब के अंदर हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, शुगर का तो इतने में प्रोग्राम कर चुका हूँ, क्योरेबल है, गारंटी के साथ है, शुगर का इलाज मनी बैग गारंटी के साथ किया जाता है, पित्त की पथरी का इलाज मौजूद है, बेउलादी का इलाज उस लेवल तक मौजूद है जहाँ पे हर तरफ से आपको जवाब हो जाए और ये फतवा मिल जाए मुख्तलिफ मार्जिन की तरफ से, आप औलाद पैदा नहीं कर सकते। हम बोलते हैं औरत की उम्र 50 साल भी हो जाए तो भी औलाद होना मुमकिन है, अल्लाह के फलोक्रम से 50 साल के बाद अगर पीरियड बंद हो चुके हैं
हमारे पास ऐसी मेडिसिन अल्लाह के बनाई हुई चीजों की मौजूद है जिससे पीरियड दोबारा से शुरू हो जाते हैं। क्या बात? ठीक है, अगर अगर हम ऐसी औरत का इलाज करते हैं जो बेउलादी में है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मद्देनजर रखते हुए कि किस उम्र के अंदर हर चीज मुमकिन हो जाती है, अल्लाह देने वाला शिफा अल्लाह की जात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात है शिफा देने वाली। इसी तरह हमारे पास जो है आजकल मलेरिया चल रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड का भी इलाज मौजूद है। टाइफाइड के अंदर भी कैल्शियम का बड़ा दारोमदार होता है, क्योंकि हमारा ये चल रहा था ना। तो अभी आखिरी ये है कि जी मेरे स्क्रीन पे चलने वाले जितने भी नंबर हैं, तीन नंबर इसके ऊपर चल रहे हैं, इन तीनों के ऊपर व्हाट्सएप मौजूद होता है। हमारी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान के अंदर भिजवाई जाती है। मैं अपने पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स और नंबर आते हैं, मैं अगर किसी की कॉल नहीं उठा सकता, मैं उनको एक मैसेज छोड़ के उनसे पैगाम ज़रूर जो है उनका बात ज़रूर सुनता हूँ। सही, आप अपना जो भी मैटर है अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं व्हाट्सएप के ऊपर भेजें और साथ बीमारी की हिस्ट्री भी लिखें। देखें खाली रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं होती हैं, पेशेंट की हिस्ट्री साथ ज़रूर चाहिए होता है। आप एक कागज़ के ऊपर लिख दें, बस रिपोर्टों में तो वाज़ह ही मर्ज़ आ रहा होता है, फिर भी थोड़ी हिस्ट्री हमें साथ लिख के मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करें, कम से कम अपना नाम जरूर लिखें, अपनी बीमारी जरूर लिखें, ताकि आपका नंबर मेरे मोबाइल के अंदर महफूज हो जाए। जब फिर एक पेशेंट की हम मेडिसिन भिजवा देते हैं किसी शहर के अंदर और उसका नाम जरूर सभी हम सेव करते हैं अपने नंबर में मोबाइल में, जब भी वो हमें कॉल कर रहा होता है फिर हम इसको रिप्लाई देते हैं, ठीक है, उससे रابطے में रहते हैं नंबर सेव हो जाने के बाद। बिल्कुल इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन भेजने की सहूलियत मौजूद हैं। हमारा गंजपन का हेयर ऑयल हो औरतों मर्दों के लिए हो। आगे ईद आ रही है ना साजिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। आज जुमतुल मुबारक है और जुमतुल विदा है, और मेरे भाई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको आपकी सेहत से रिलेवेंट हमेशा अच्छी बात बताते हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आज है जुम्मतुल विदा और आप रोजाना मेरे साथ होते हैं शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक। और आज हम बात करें कि जैसे जैसे रोजे गुजर गए और आज जुम्मतुल विदा है, और साथ साथ ये जुम्मतुल विदा जब बात की जाती है, इनके हमारे साथ जो है आखिरी जुम्मा जिसे हम कहते हैं, हमसे जुम्मा रुखसत हो रहा है, पहले तो हमारे दो जुम्मे बीच में से तीन गुजरे, अब ये आखिरी है। और जब ये लम्हा आता है, अक्सर जो हमारे जिंदगी में रूटीन के मुताबिक तो एवरी वीक हर हफ्ते जुम्मा आता है और हमें हर कोई ये कहता है कि जुम्मे की नमाज और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए, ये जुम्मे की खासियत है, जितना हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। और मैं आज मुफ्ती साहब से बात करूंगी और इस मौजू पे ही हम गुफ्तगू करेंगे और इसकी फजीलत भी बयान करेंगे। मुफ्ती कुदरतुल्ला साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुफ्ती कुदरतुल्ला कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है, जुम्मतुल विदा की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी कुछ हमें कुछ जो नहीं मालूम आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और इसकी फजीलत बयान करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم। जुम्मत अलविदा की फजीलत और अहमियत बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि जुम्मतुल मुबारक की जो है वो फजीलत और अहमियत जो है वो लोगों के सामने उसको बयान किया जाए कि जब आम दिनों के जुम्मा की फजीलत जो है वो इतनी आला और अरफा है, जो अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत जो है जुम्मा के नाम से जो है वो उतार दी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है वो जुम्मा के दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभान। और इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रौदुल अनफ के अंदर लिखा है
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عروبہ یعنی جمعہ کے دن جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا. یہ پہلے عروبہ کہا جاتا تھا اور اسلام نے اس دن کو جو ہے وہ جمعہ کا نام دیا ہے. تو یہ وہ دن ہے کہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جہلیت میں بھی اس دن کو مقدس دن مانا جاتا تھا. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تمام قریش کو جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک نبی آئے گا اور ان کی تباہ کرنا اور ان پر ایمان لے کر آنا. تو اس لحاظ سے بھی جمعہ کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس کے بڑے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی عام دنوں کا جمعہ ہے اس جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں اگر بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. بے شک, بے شک. اور دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں بندہ مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن کی خاصی فضیلت ہے. اور ابن ماجہ اور مسند امام احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کے دن کو تمام باقی دنوں سے زیادہ جو ہے فضیلت حاصل ہے. اور اللہ کے ہاں جمعہ کا دن جو ہے وہ عید قربان اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فضیلت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ پانچ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آپ کا وصال ہوا, اسی دن آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا, اسی دن آپ زمین پر اتارے گئے اور اسی دن جو ہے وہ قیامت کا دن قائم ہوگا. اور فرمایا اسی دن میں ایک ایسی ساعت موجود ہے کہ اللہ کا جو بندہ اس کی ذات پر ایمان لانے والا اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سبحان اللہ. اور فرمایا قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. اسی وجہ سے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو تمام مقرب فرشتے زمین اور آسمان ہوا اور تمام اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن قیامت کا دن نہ ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو جو ہے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ آتا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. تو جب عام دنوں کے اندر اس جمعے کی یہ فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو, اس دن فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود اور سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور ایک روایت میں جو 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. تو جتنی درود کی کثرت ہوتی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اس بندے پر اسی کثرت کے ساتھ جو ہے ان کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو جمعہ کی ہر گھڑی جو ہے وہ برکت والی ہے. اور رمضان شریف کے حوالے سے تو جمعہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رمضان کے ہر جمعرات اور جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی کثرت سے جو ہے وہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور جمعۃ الوداع کی تو خاص فضیلت ہے چونکہ یہ آخری عشرے کے اندر آتا ہے اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کثیر تعداد کے اندر اپنے بندوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جمعے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں, درود پاک کی کثرت ہو, تلاوت قرآن کیا جائے, ذکر اذکار کیا جائے, تمام اعمال صالح بجا لا جائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. کیونکہ یہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, مل کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ اجتماعی جو ہے وہ عبادت ہی ہوتی ہے اور اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں, مناجات بھی ہوتے ہیں. تو قصر اس لحاظ سے اسلام کی نظر میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یہ خاصی فضیلت جو ہے وہ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. قدرت اللہ صاحب سے ایک سوال اور کروں گی لیکن اس سے پہلے میں نعت سنتی ہوں. میرے درمیان موجود ہے نعت خواہ محمد عمران اوان صاحب.
माशाल्लाह सना ख्वाह हैं और खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। और सवाल मैं कुदरतुल्ला साहब से करूँगी वो ये कि जुम्मतुल विदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी खुतबा दिया था जुम्मे को, इससे रेलिवेंट इनसे सवाल किया जाएगा। तो हम चलते हैं नात की जानिब। जी तमाम ही देखने वाले हाजरीन भी और मौजूदा जो हाजरीन बैठे हैं वो भी दुरूद शरीफ एक दफा पढ़ें। बिल्कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। एक पंजाबी कलाम का कहा गया तो वह आप लोगों की समातों की नजर। गरीबा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह, कसम रब दी है मैनु सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह, गरीबा यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत है खड़दी बड़ा चा है ज़ियारत चमके नसीबादा सितारा या रसूल अल्लाह, कदी चमके नसीबादा सितारा या रसूल अल्लाह। तड़प देने जो वे खण ले भी करम हो वे, तड़प देने जो वे खण ले उन्हाते भी करम हो वे, मैं आज सद सोहना दोबारा या रसूल अल्लाह, मैं आज सद सोहना दोबारा या रसूल अल्लाह। और मेरी कश्ती गुनाह वादे समंदर विच न डूब जावे, मेरी कश्ती गुनाह वादे समंदर विच न डूब जावे, मिले हसने नेदा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, मिले हसने नेदा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। और फिक्र मुकया हशर दावी जदों दा है सुनिया,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। हशर दावी जदों दा है सुने आए तू सा चुकिया गरीबादा है भाराया रसूल अल्लाह तू सा चुकिया गरीबादा है भाराया रसूल अल्लाह कसम रब दी है मैनु सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه। اچھا جی بات ہو رہی تھی موضوع گفتگو آج جمعۃ الوداع سے ریلیونٹ ہے اور آخری جمعہ بھی کہتے ہیں ہم ظاہر سی بات ہے اور بس دل ایک عجیب سا گھبرا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے اور پتہ نہیں آگے ہم ہوں نہ ہوں जो कल थे वो आज हैं कि नहीं तो कल हम ना हों कुछ पता नहीं। बस अल्लाह पाक तौफीक दे के आगे भी हम रमज़ान में इसी तरह आपके साथ नात रसूल मकबूल सुनाएं और प्यारी प्यारी बातें हों मीठी मीठी बातें हों क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा बातें मीठी थी। वो हमेशा बड़े आजिज़ाना तौर पर बात करते थे सबसे और बच्चों से उनकी शफ़क़त थी। तो यही मैं चाहती हूँ प्रोग्राम जिस तरह है हम आम जिंदगी में जब रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारें तो इसी तरह मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हो रहनुमाई वाली बातें हो सदक़े जारिया वाली बातें हो। और मैं बात करूँगी मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब से और सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया था और जिन्होंने अभी वीनस टीवी HD ऑन किया है वो भी सुन लें कि ये आखिरी खुतबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो भी जुम्मा ही था। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम तिलावत की जी तो आपके साथ एक यहूदी बैठा था और उसने कहा कि अगर ये आयत हमारे ऊपर उतारी जाती तो हम उस दिन को जो है वो जो ईद का दिन बना लेते। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन जो है हमारी दो ईदें थी। एक ईद तो ये थी कि ये आज जिस दिन उतरी वो जुम्मा का दिन था तो आपले सलाम ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन करार दिया और दूसरी ईद ये थी कि नौ जिलहज का दिन था जब ये आयत मुबारक जो है वो उतारी गई। तो इस लिहाज से भी जो है वो चूंकि आपले सलाम ने वो खुतबा जो है वो जुम्मा के दिन इरशाद फरमाया था वो हज्जतुलविदा का खुतबा था और इस लिहाज से भी जो है वो इस्लाम ने फिर जुम्मे के दिन को जो है वो ये अहमियत अता की है कि जुम्मे के दिन को मुसलमानों के लिए मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। तो इसलिए ये इतना बरकत वाला दिन है कि जुम्मे की हर हर घड़ी जो है वो रहमतों भरी घड़ी होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है उसकी रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है कि मेरा कोई बंदा मेरी बारगाह में हाजिर होकर निदामत के आंसू बहाए और मैं उसकी जो है वो बख्शिश कामला कर दूँ। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे की तो क्या बात है कि वो चूँकि जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे में आता है तो उसमें तो अल्लाह ताला कसरत से जो है वो अपने महबूब की उम्मतियों को जो है वो कसरत के साथ उनकी बख्शिश जो है फरमाता है और अल्लाह ताला की रहमत जोश पर होती है। और जुम्मे वाले दिन खसूसन जो लोग इबादत के अहतमाम करते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ जो है वो नरमी का मामला फरमाता है। आप अलैहिस्सलाम ने इस लिहाज से जो है वो जहन्नम से आज़ादी के कुछ हमें तरीके और हमें जो है वो ऐसे चीज़ें बताई हैं कि जिनके ज़रिए से हम जहन्नम से जो है वो आज़ादी हासिल कर सकते हैं। एक तो जुम्मतुलविदा की वजह से अगर हम उसका अहतमाम करें और इबादत के अहतमाम हो अल्लाह ताला के साम आहुजारी की जाए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए तो मालिक कायनात बड़ा करीम है वो अपनी रहमत का अपने बंदों के साथ जो है वो मामला फरमाता है और हुजूर के सदक़े से जो है अपने महबूब के ग़ुलामों की बख्शिश कामला फरमाता है। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मतियों को जो है वो जहन्नम से आज़ादी के कुछ तरीके जो है वो बताए हैं और उन तरीक़ों में से एक तरीका आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो बताया वो ये है कि खौफ खुदा से जो है वो कसरत से रोया जाए। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से मैं जहन्नम से निजात पा सकता हूँ।
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے جہنم سے نجات پا سکتے ہو۔ عرض کی حضور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خوف خدا سے رو، کیونکہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس آگ کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ تو جب جمعہ جیسے برکت والے دن اگر بندہ اللہ رب کے خوف سے روئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے تو مالک کائنات بدرجہ اولا اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا جو ہے وہ معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ابن منذر فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کسی مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ اگر اللہ کے خوف سے رو جائے تو اللہ تعالیٰ پورے لوگوں پر اس ایک بندے کی وجہ سے رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کی اہمیت اس لحاظ سے کافی جو ہے وہ واضح ہے۔ اور اگر جمعے والے دن اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور وہ بھی جمعۃ الوداع ہو کہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہو اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور دل میں جو ہے وہ ایک اداسی سی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک والا، رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہر آنکھ جو ہے وہ آبدیدہ ہوتی ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ پھر جمعہ ہمیں نصیب ہوگا، یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوتا۔ تو اس کیفیت کے عالم میں جب بندہ جو ہے اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو مالک کائنات جو ہے وہ اپنے بندے کی جو ہے وہ بخشش کاملہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اس جمعے کے دن کو جو ہے ہم بالکل غفلت میں نہ گزاریں، ہم خاص طور پر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں، رب کے سامنے حاضر ہوں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ بڑا کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو وہ اتنا بڑا نیکوکار اٹھ کے بن کے اس کی جو ہے برگاہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے جو ہے استغفار کریں۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے رہیں اور رمضان المبارک کی ہر ہر گھڑی چونکہ بخشش اور مغفرت والی ہے تو اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے استغفار کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے بڑے پیارے بھائی ایک اور موجود ہیں، ان سے بھی نعت سنتے ہیں اور پھر آپ نے نہیں ابھی جناب ایک اور نعت بھی سنوں گی۔ پہلے میں بابر قادری صاحب سے نعت سنتی ہوں۔ جی بابر بھائی، سب بڑے پیار سے دل سے دو درود پاک سب دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جی بابر بھائی، بلغ الولا بکمالہ کشفت شجاع بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بہت خوبصورت کلام۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں
सरकार के कदमों के तले, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता, खाक को खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, रेत के क्या बात है, अल्लाह बदल दे देता मुझे, रेत के जरों में अल्लाह बदल दे देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه। और मैं इस वक्त गुजारिश करूंगी मोहम्मद इमरान अवान साहब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम पेश करें। जी इमरान भाई, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। और हासिले कलाम शेर, उठ के जाऊं उठ के क्या बात से,
जी नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे खूबसूरत और स्पेशल गेस्ट होते हैं, और वो कौन है जी? हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सैयद वहाज जैदी, और आज जुम्मतुल विदा है। आज देखते हैं वहाज हमें कौन सा किस्सा सुना रहे हैं और जुम्मतुल विदा की क्या फजीलत बयान कर रहे हैं। और जी वहाज से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वहाज? वालेकुम अस्सलाम सैयद जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सैयद जी, जैसा कि आज जुम्मतुल विदा है और बहुत जल्द अब हमसे रमज़ान जुदा होता जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज के ही दिन ये पाकिस्तान नक्शे में आया, तो अब पाकिस्तान ने इस दुनिया के नक्शे में आँख खोली थी, और यही वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान बना। जैसा कि अब हम 14 अगस्त को मनाते हैं अपना खुशी कि आज यौम पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान बना था, लेकिन साथ ही साथ जब आप उस तारीख को देखें, जब वो तारीख देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यौम पाकिस्तान रमजानों में हुआ था, और आज का ही दिन था कि जिस दिन रमजान ये पाकिस्तान बना था। सैयद जी, हमने अपने बड़ों से सुना है ये वतन लाखों कुर्बानियों का सिला है, खाक खून में नहाए थे भाई, सर भरे ना तड़पती थी बहने, तब कहीं जाके मंजिल मिली है, तब कहीं जाके रास्ता मिला है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेरा इस पाकिस्तान से वो रिश्ता है कि जो किसी तितली का उसके परों से, पंछी का उड़ान से, और किसी शख्स का उसके नाम से होता है, क्योंकि मेरे इस वतन में कायद का मज़ार सिंध के सर का ताज है, दर्रे खैबर सरहद का रहबर है, मीनार पाकिस्तान पंजाब की शान है, और बलूचिस्तान का ज़्यारत दिलों की राहत है, कि दरियाओं की जमीन संगलाख पहाड़ों का देश है, इसके खेतों में सोना है, और इसकी सलामती के लिए हम सबको एक होना है, इन लबों पे ये दुआ का कयामत रहे, ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे। और सैयद जी, जैसा कि हमारे इस वतन में खूब बज़्म होती है रसूल खुदा की, और कुरान बहुत, कुरान पाक की तिलावतें होती हैं मदरसे हैं, बच्चे मदरसों में जाते हैं और कुरान को हिफ्ज करते हैं, तो इस कुरान के हवाले से खुदा ने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर ही उसने इरशाद फरमाया कि ये वो कलाम है कि जिसे अगर मैं पहाड़ों की बुलंदियों पे नाजिल करता तो वो इसके वजन को सहर ना पाती और टूट के रेजा रेजा हो जाती। तो हमें ऐसे कल्ब की जरूरत थी कि जिसमें यकीन हो, एहतमाद हो, तो उन्होंने रसूल से इरशाद फरमाया, खुदा कहने लगा रसूल से कि ऐ मेरे हबीब, मैंने वो यकीन, वो अतमाद आपके कल्ब में महसूस किया है, तो वो कलाम कि जिसे पहाड़ों की बुलंदियां ना सह सकती थी, उसे मैं आपके कल्ब पे नाजिल करता हूँ। और एक मरतबा फिर मैं आप सबको जुम्मतुल विदा की, और साथ ही साथ अपना यौम पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी तारीख में देखेंगे तो यौम पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसी रमजान अपना वैसे तारीख में देखेंगे कि जब हुआ इस्लामी तारीखों में, तो उस इस्लामी तारीखों में रमजान मुबारक रमजान में मनाया गया था, होता हुआ था, क्योंकि रमजान के अंदर ही ये यौम पाकिस्तान हुआ था उस वक्त जब पाकिस्तान बना था। तो एक मरतबा फिर मैं आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ, और जुम्मतुल विदा की भी। जी नाज़रीन, हम लोगों ने जो है यहाँ पर लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन आप देखिएगा स्पेशल पैकेज
किसका? कमांडर सिटी बिल्डर का, क्योंकि विजन है 2040। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। जी नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ये है बच्चों का प्रोग्राम और ये है रोजा खुशाई। और ये प्यारे प्यारे इनके नहीं मामे देखो कितने सोने सोने बने, अभी देखते हैं इनसे बात करते हैं। और ये स्पॉन्सर बाय टेस्ट एंड, और ये बिस्किट्स के पूरे पूरे बॉक्स इनके साथ जाएंगे। मैंने उठा के दिखा दिया और इतने मजे के होते हैं इनके बिस्किट्स। ओहो बच्चे खाएंगे और खुश होंगे, हमें दुआई देंगे। और खास तौर पर जी टेस्ट एंड की जानिब से जो बिस्किट्स हमें प्रोवाइड करते हैं उनका शुक्रिया। जी मेरा बड़ा बेटा, क्या नाम है आपका? कासिम। अरे माइक में बोलो ना, अभी रोजा लग रहा है आपको। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम नाम है इनका। जी कासिम क्या सुनाओगे बेटा? सुनाओ मुझे क्या सुनाओगे? अबू बकर सिद्दीक के अकेले शहजादे से भी बात कर ले, इसको नजर ना लग जाए हैं, मैं थोड़ा सा टीका लगा दूं टुक करके। चले जी, आपका बेटा नाम क्या? सादिक। जोचा बोलो। मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक नाम है इनका। अच्छा जी मेरे बेटे ने रोजा मैंने सुना है आपने अलमारी में रख के आ गए हो, नहीं रखा ना, साथ लेकर आए हो रोजा? भाई ये साथ लेकर आए, अभी जरा बच्चे ना वो लाइव शो में एकदम हो जाते, घबरा जाते। कुछ सुनाएंगे आप मेरा बेटा? ये कुछ सुनाएंगे हमें? चलो जी सुनाओ। देखो इतना प्यारा इसने सुनाया, अब मैंने इसको बिस्किट का पैकेट दिया, आप ले लो मेरा बेटा, ये इनका। अब आप मुझे सुनाएं, क्या सुनाएंगे? अरे सुनाओ ना, माइक खा जाओगे क्या, रोजा टूट जाएगा, सुनाओ मुझे। एक खत में मक्की मदानी कौन है तुम सा, कोई नहीं कोई नहीं है मेरा सुन, मक्की मदानी कौन है तुम सा, कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे ये मेरे बच्चे बस कर जाओ, आवाज भी ना बहुत कम लग रही, बच्चे को रोजा लग रहा है क्या? ये मेरा बेटा आपके लिए, ठीक है मेरा सोना टेस्ट लैंड की जानिब से। अच्छा जी माशाल्लाह ये बच्चे मासूम है, और बड़ी बात है मोहब्बत नबी की, मौला अली की,
और तमाम अंबिया की मोहब्बत रखना बड़ी बात होती है। और बच्चे अभी आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे, इनको हमें तरबियत हमारा काम है, इनसे प्यार से बात करना, इनको समझाना। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो खुद बचपन में ही यतीम हो गए थे और माँ से भी बिछड़ गए, जैसे बोलते माँ भी उनसे जुदा हो गई थी। तो ये मोहब्बतें पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ होती हैं, आजमाइशें होती हैं, खुदा ने किसी वक्त किसको क्या एक मकाम देना होता है ये मेरा रब ही जानता है। और बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा जी, बात करेंगे हम इस वक्त, माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं, मैं डॉक्टर तलहा कादरी साहब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना चाहूँगी। जी तलहा कादरी साहब, जैसा कि अब तो रमजान रुखसत है तो उसी हवाले से दुआ करते हैं रब की बारगाह में, सरकार का वसीला पेश करके। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम शुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार। गुम्बदे खजरा के जलवे और वो इफ्तारियां, गुम्बदे खजरा के जलवे और वो इफ्तारियां, याद आती है बहुत रमजान तैबा की बाहर, याद आती है बहुत रमजान तैबा की बाहर। जल्द फिर तुम लोग बुला और सब्ज गुंबद दो सब्ज गुंबद दो दिखा, हाजरी की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार, हाजरी की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। और गम ज़दा यूँ ना हुआ होता उबैदे कादरी, इस बरस भी देख लेता माँ है रमज़ा की बहार, इस बरस भी देख लेता माँ हे रमजा की बगार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार।
सुभान अल्लाह डॉक्टर तल्हा कादरी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे थे। मैं अभी दरख्वास्त करूँगी, कलाम सुनाए मोहम्मद फैजान रजा कादरी, जरा प्यार से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि वसहाबे मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि। जी मोहम्मद फैजान कादरी, मुबारक रात है, हमसे जुदा हो रही है और मुबारक रात है, उसी निस्बत से कलाम मेरे ज़हन में आ रहा है, पढ़ते हैं मिलकर। नूरी महफिल ते चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जवां, चांदनी में है डूबे हुए दो जवां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है, अर्श पे धूम गए, फर्श पे धूम गए, अर्श पे धूम गए, फर्श पे धूम गए, बदनसीबी है उसकी जो मगरूम गए, फिर ये आए ये शब्द किस को मालूम गए, फिर ये आए ये शब्द किस को मालूम गए, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है, और मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा की रात गए, मोमिनो आज गजे सखा लूट लो, मोमिनो आज गजे सखा लूट लो, और लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, मोमिनो आज गजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो, बाब रहमत खुला आज की रात है, बाब रहमत खुला आज की रात गए, और ये रातें इतनी नूर वाली हैं, शायर ने कहा इस तरफ नूर गए उस तरफ नूर गए, इस तरफ नूर गए उस तरफ नूर गए, सारा आलम मुसर
हैसियत से मामूर गए, जिसको देखो वो आज मसरूर गए, जिसको देखो वो आज मसरूर गए, महक उठी फजा आज की रात है, महक उठी फजा। अल्लाह करे जिस तरह हम यहाँ ट्रांसमिशन सजाए बैठते हैं, अल्लाह वो हमें लम्हात दिखाए कि हम हुजूर के गुम्बद खजरा के साए में हो, वहीं बैठे हैं और ये महफिल सजी हो, मिलकर क्यों शामिल हो जाए। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लौटने रहमतों के खजीने चले, सब की मंजिल की जानिब सफीने चले, सब की मंजिल की जानिब सफीने चले, मेरी साहिब दुआ आज की रात है, मेरी साहिब दुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जवां, कौन जलवानुमा आज की रात है, बाब रहमत खुला आज की रात है, क्योंकि मांगने का मजा आज की रात है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैजान रजा कादरी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। या नाज़रीन यहाँ पर छोटी सी रहेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के, लेकिन उससे पहले आप देखें अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का स्पेशल पैकेज, रहिएगा मेरे साथ इबादत रमजान। एक बार फिर इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और ये वो घड़ी है जब जुदाई होती है। कभी देखा है जुदा होते हुए, कभी कभी दुनिया से कुछ लोग रुखसत हो जाते हैं, वो एक जुदाई की घड़ी है, कभी कभी हम किसी को खुदा हाफिज़ कहते हैं, ये जुदाई की घड़ी, और कभी कभी ये वो जुदाई की घड़ी, कभी कभी एक उम्मीद से होती है कि अल्लाह करे एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब हो। तो एक लम्हा, एक ऐसा जुदाई भी है और एक उम्मीद भी है, एक इंतज़ार भी है, लेकिन फिर भी एक जुदाई है। अब ये क्या करे दिल, और दिल दिल के अंदर है हमारा खुदा, तो अब दिल की खुदा जब है तो फिर खुदा से मोहब्बत है, फिर खुदा से मोहब्बत है तो रहमतुलिल आलमीन से मोहब्बत है। जब हम खुदा हाफिज का जिक्र करते हैं तो फिर कहते हैं ना अल्लाह नेगेबान, तो दिल तो कर रहे जुदा करें, लेकिन दिल नहीं भी चाह रहा, क्या करें, ये मोहब्बत हो गई है खूबसूरत इबादत से। और इस वक्त मेरे सारे यहाँ पर भाई बच्चे बच्चे सब मौजूद हैं, और हम इस वक्त दुआ करेंगे और इस जुम्मे को रुखसत करेंगे, और हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम इसी दुआ के साथ, इसी जिक्र के साथ, इसी मोहब्बत के साथ होगा। मैं सबसे पहले दुआ का करती हूँ, और मैं एक छोटी सी दुआ करूँगी, उसके बाद हमारे प्रोग्राम की आन बान शान मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब, पूरे रमज़ान उन्होंने खूबसूरत अंदाज में दुआ की, और हम रोए भी, अल्लाह से मांगा भी, उन्होंने सब के लिए दुआ की, इनकी मोहब्बत है।
और आज भी मैं अपने भाई से कहूंगी कि वो दुआ करें, लेकिन जाते जाते क्योंकि अब जब उन पास उनके पास जाएगा तो शायद मैं फिर नहीं बात कर पाऊँ। और जितनी भी ट्रांसमिशन में जो लोग हिस्सा बने हैं उन सब के लिए दुआ खैर, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ करे। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, बेध्यानी में भी हो जाती है, नहीं मालूम क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन होती है। और मैं कहूँगी जितने लोगों ने इस रमज़ान में खैर की दुआ मांगी है सबके लिए दुआ मांगी है, जो लोग बीमार हैं, जो अपने वालदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन सब की जायज़ दुआ कबूल करे। जो लोग रिस्क हलाल मांग रहे हैं, और उन सब का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ जिनके इश्तराक से ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखा। स्पेशली थैंक्स फॉर अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल, और शुक्रिया करती हूँ कमांडर सिटी का, शुक्रिया करती हूँ ग्लैम गैस का, और इनके सब इश्तराक से और टेस्ट लैंड का, और ख़ास ख़ास दुआ मेरे प्यारे भाई सादिक भाई के लिए जिन्होंने डेली मुझे जो है ना मेरा जो दस्तरखान सजा मेरे भाई की खैर से, उन्होंने हमारे लिए जो एक ख़ास इश्तराक किया वो दस्तरखान में किया। मेरे भाई अल्लाह पाक तुम जहाँ कदम रखो अल्लाह पाक तुम्हारी इज्जत मकाम में इजाफा करे। बाकी सब मेरे माशाल्लाह मुफ्ती साहब, ज़ुबैर भाई और बहुत सारे यहाँ पर नाम कुछ नहीं जहन में होते, कुदरतुल्ला साहब और बहुत सारे बच्चे वगैरह, रोज़ा कुशाई वहाज मेरे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे वो बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं। फिर सबकी मैं ये कहूँगी मेरी पूरी ट्रांसमिशन जो मेरी टीम ने की, और फरहान भाई सीओ साहब, मजीद साहब, अदनान, नुमान भाई, सबकी एक कोऑपरेशन से होता है। अर्श हैं यहाँ पर, जाहिद भाई थे, सरफराज, जाकिर और एक और नाम है अता, फिर अनवर भाई हैं और रमीज़ भाई, शहजाद भाई, और एमसीआर में थे हमारे अरसलान भाई और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम में अगर इरफान भाई, नुमान भाई, वो लोग अगर मैं कुछ भूल जाऊँ, आके भाई देखे कितने सारे नाम हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनकी एक टीम पूरी है जो आपको प्रेजेंट कर रही है। इसीलिए नाम ले रही हूँ कि पता नहीं फिर वो मौका मिले ना मिले, तो इनको भी मैं बहुत तंग करती थी। तो चलते हैं हम अपनी दुआ की तरफ, और इन सब के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमेशा कोशिश करते रहेंगे हम आपको आइंदा भी अच्छी ट्रांसमिशन दे सकें जिसमें आपकी रहनुमाई हो सके, आपके बच्चों की रहनुमाई हो, और हमारे मुंह से अच्छे अल्फाज निकलें, कभी ऐसे अल्फाज ना निकलें जिससे आपकी दिल आजारी हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी दुआ की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان مولاي كريم جمعة الوداع کی اس پرکیف ساعتوں میں بابرکت ساعتوں میں 27वें रोजे के इफ्तार के वक्त ए अल्लाह तेरी पाक बारगाह में अपने गुनाहों से आलूदा गुनाहों से आलूदा हाथ लिए हुए तेरी पाक बारगाह में हाजिर हैं। ए अल्लाह हम ये इकरार करती हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए। ए अल्लाह हम ये इकरार करती हैं कि हमने बेशुमार खताएं की, लेकिन ए अल्लाह तू हमारा पाक परवरदिगार है, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर रहीम है, मौला करीम तो गुनाहों को बख्शने वाला है। ए अल्लाह अपने महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम के रुखे ज़ेबा के तुफैल मौला हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी तमाम खताओं से दरगुजर फरमा, मौला करीम हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक बरहमत फरमा। ए अल्लाह इस माह रमजान में हमने जो भी टूटी फूटी इबादतें की है अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह हम नहीं जानते कि आइंदा साल ये रमजान हमें देखना नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन ए अल्लाह इस रमजान को हमसे राजी फरमा दे। ए अल्लाह इस रमजान को शफात करने वाला बना दे, मौला करीम इस रमजान को हमसे राजी फरमा दे। ए अल्लाह इस रमजान को हमसे राजी फरमा दे, मौला करीम इसकी शफात हमारे हक में कबूल फरमा। ए अल्लाह इसमें हमने जो कुरान पाक की तिलावत की, तरावी पढ़ी, नमाजें पढ़ी है अल्लाह तमाम अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन ए अल्लाह अगर तूने हमें मुआफ ना किया, हमारी खताओं को मुआफ ना किया,
ए अल्लाह वो कौन सी चौखट है जिस चौखट पर जाकर हम अपने हाथों को फैलाएं, हम अपने दामन को फैलाएं, वो कौन सी चौखट है? ए अल्लाह तू हमारा पाक परवरदिगार है, तू हमें पालने वाला है, तू हमें रिस्क देने वाला है, तू हमारी खताओं को मुआफ करने वाला है। मौला करीम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका, ए अल्लाह हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदका, ए अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सदका, मौला करीम हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी तमाम खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हमारी हतमी बख्शिश व मगफरत फरमा। मौला करीम तमाम गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। मौला करीम जो रमजान मुबारक के दिन बाकी हैं, ए अल्लाह इसमें हमें कसरत के साथ तुझसे इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम तेरी पाक बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें आदाब कब्र से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। मौला करीम आज दुनिया में अगर थोड़ी सी गर्मी होती है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ए अल्लाह अगर तू हमसे नाराज हुआ और कब्र में गर्मी हुई, कब्र में आजाब हुआ, तो ए अल्लाह उसे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मौला करीम तू अपने महबूब के उम्मतियों से बड़ी मोहब्बत करता है, ए अल्लाह तुझे अपने महबूब का वास्ता। मौला करीम हम तमाम को अजाब कब्र से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। ए अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को सरकार अली सलातुस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमा, नबी पाक अली सलातुस्सलाम की सच्ची इत्तिबा अता फरमा। मौला करीम ना जाने कितने बीमार होंगे जो इस वक्त दुआओं में शामिल होंगे। ए अल्लाह ये इफ्तार की घड़ियां हैं, जुम्मतुल विदा का ये मौका है, ए अल्लाह इन बाबरकत सातों में तुझसे दुआ करते हैं, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। ए अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला आजला नाफिया अता फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में गिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह मकरूजों को बारिक कदर से निजात अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह तमाम दुआओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। मौला करीम इस ट्रांसमिशन को करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह इसमें जितने भी मुआविनीन हैं, कैमरामैन हैं, जिसने जिस तरह भी हिस्सा लिया, ए अल्लाह इनका ये एफर्ट करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह इनका ये मदद करना, इस ट्रांसमिशन को खूब से खूब तर बनाना, ए अल्लाह अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह जो इल्म दीन फैलाया गया, मौला करीम इस इल्म दीन के फैलाने में कोई बयान करने में गलती कुताही हुई हो तो ए अल्लाह अपने फजल करम से मुआफ फरमा। मौला करीम जो कुछ भी हमने सीखा है, ए अल्लाह इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम की दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, या इलाही हर वो चीज अता कर दे जिससे हम सबके घर भर का भरा हो। इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ نفر ہو لا الہ الا اللہ کون سلام شمع بزم ہدایت الا کون سلام شمع بزم ہدایت الا हम आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत तेला को सलाम मुस्तफा, जाने रहमत तेला को सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत तेला को सलाम। से आज़ा इमाम मौतों का वर्णों का गौसे आज़म, इमाम मौतों का वन्नों का
जलवाए शान कुदरत तेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा 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 मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेला को सलाम कल्ब आशिक अब पारा पारा आशिक गया अब पारा पारा अलविदा मांगे रमजान अलविदा मांगे रमजान अलविदा मस्जिदों में बाबा आ गई थी मस्जिदों में बाबा आ गई थी जोक दे जोक आ ते नमाजी चौक दे चौक आ ते नमाजी हो गया कम नमाजों का जज्बा हो गया कम नमाजों का जज्बा अलविदा मांगे रमजान अलविदा अलविदा मांगे रमजान अलविदा माहे रमजान क्या खबर फिर मिलो ना मिलो तुम इन ख्यालों में हम हो गए क्या खबर पे मिलो ना मिलो तुम इन ख्यालों में हम हो गए जा रहा है ये महमा जा रहा है ये महमा अलविदा अलविदा मांगे रमजान तेरे आने से दिल खुश और सो के बाद ते बनाता हो गया हम नमाजों का जज्बा सजती
की रौनक भी होती, बज़्म इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। हो गया सब समा सोना सोना, अलवदा माहे रमज़ा। तेरे दीवाने अबे रो रहे हैं, मुज़दरिब सबे के सबे हो रहे हैं। आए अब वक्त रुख से तेरे आया, अलवदा अलवदा माहे रमज़ा, अलवदा تجھ گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جس طرح گئے تا خدمت کا تیری ہم ادا کر سکے نا کبھی بھی، جس طرح کے خدمت کا تیری ہم ادا کر سکے نا کبھی بھی، کاش ہو جاتے غم تجھ پہ قربان، کاش ہو جاتے غم تجھ پہ قربان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بھڑکا رہا ہے،
कट रहा है तेरे गम में सीना, फट रहा है तेरे गम में सीना, अलविदा भी होती सब समा हो गया सोना सोना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तुझको प्यार वास्ता, तुझको प्यारे नबी का हश्र में गम को मत भूल जाना, हश्र में गम को मत भूल जाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, तुम साल आइंदा शाहे हरम तुम करना आतार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, रमज़ान तुम मदीने में
हाजी में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है मेरे पास। और जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और अपनी अपनी खताएं खुद नजर आने लगती है और हम कहते हैं पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। और फिर हम अपने माँ बाप जो हमारी दुनिया में नहीं है कुछ ख्याल ऐसे आते हैं और फिर हम कहते हैं अल्लाह पाक हमें मदीने की ज़ियारत नसीब करे, तेरे घर की ज़ियारत नसीब हो। फिर हम कहते हैं ये सारे दस्तरखान लगे थे, वो सारी चीजें, जैसे जैसे मेरे भाई पढ़ रहे थे ना, मेरे जहन में ऐसा हो रहा था कि कितना अच्छा हम बैठे थे, खाया था, सहरी उठे थे, इकट्ठे थे, वो सब जुदा हो गए, वो लम्हे जुदा हो गए। अभी ऐसा लम्हा आता है आप लोगों के भी जब दुनिया में हम मसरूफ हो जाएंगे तो भाई एक साथ नहीं बैठ सकेंगे, माएं एक साथ नहीं बैठेंगी, सब कोई रात को 9 बजे खाएगा, कोई 10 बजे खाएगा, कोई 12 बजे खाएगा। ये अल्लाह पाक ने ऐसा लम्हा दिया होता है, ऐसा वक्त दिया होता है, सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहन भाई हर कोई एक दूसरे को कह रहा था आ जाओ मैं सब खाना खा, हमें से रोजा खोलो, रोड पे चलते हुए लोग एक दूसरे को पूछ रहे। लेकिन ये लम्हा पता नहीं अगले साल हमें नसीब हो, वो लोग जो इस वक्त में पता नहीं अगले साल हमारे साथ हो ना हो, मैं हूँ ना हूँ मालूम नहीं, क्योंकि ये राज मेरे रब को पता है। जिस तरह उसने रिस्क अपने हिसाब से रखा, हर चीज अपने हिसाब से, हम किसी बात पे ये नहीं कह सकते कि कल हम हैं या नहीं। कहने का मकसद ये है कि जब भी कुछ कहे अच्छा कहे, जब बोले तो अच्छा बोले, किसी के लिए सोचे तो अच्छा सोचे। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाते जाते कहना चाहोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए खामोशी इख्तियार करोगे, लेकिन अपनी इस बगैर हड्डी के जबान में कभी किसी के लिए बुरा मत कहे। और आज जुम्मतुल मुबारक है, 27वीं का दिन है, इख्तिताम की तरफ है, और हम लोग दुआएं खैर कर रहे हैं, दस्तरखान लोगों के घर लगे और आप लोग भी दुआ करें और हमारी दुआओं के लिए भी आप हमारे लिए भी हाथ उठाएं, हमने भी आपके लिए दुआ की, आप भी हमारे लिए दुआ करें। दुआओं की दरख्वास्त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।